मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से शुरू करने जा रहे हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि हम नित्य नए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान की ओर से नित्य नए वेबिनार और इस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एंड या हर एक फ्रंट पर कुछ जो भी एक महत्तम सहायता हो सकती है, सो वी कैन प्रोवाइड ए मैक्सिमम लेवल ऑफ सपोर्ट थ्रू दिस ऑनलाइन प्रोग्राम्स। और इस दिशा में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कुछ इनोवेट भी कर रहे हैं और कुछ नए नए चीजों को जोड़ने और इससे इंटीग्रेट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज का इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे प्रेरणादायक हमारे निदेशक महोदय रहे हैं। और ये एक जो कार्यक्रम है, ये एक अलग रूप से हम लोग संचालित भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ने जो अलग अलग टारगेट ग्रुप है उसको लेकर के एक अलग अलग एक टास्क टीम बना करके रखी है यहाँ पे निदेशक महोदय ने। और प्रत्येक जो टास्क वो जो टीम है वो अलग अलग विषयों और अलग अलग लाभार्थियों या हितधारकों के लिए कार्यक्रम या वेबिनार्स को टारगेट करके कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने इस विषय को चुना है, इसका पर्पस बड़ा ही एक खुला है कि जो एक डिसेबिलिटी जो आप देखें कि जो नई डिसेबिलिटी एक्ट है, जो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, वो या उससे पहले की भी जो कानून था हमारे पास, जो PWD एक्ट 1995, वह क्लियर कट लो विजन को एक अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरी मानती है डिसेबिलिटी की, और इसे एक विजुअल डिसेबिलिटी के अम्ब्रेला में एक सेपरेट डिसेबिलिटी मानती है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो नीड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली थोड़ी भिन्न होते हैं। संभावनाएं होती हैं कि हम किसी प्रकार के विजुअल स्टिमुलेशन या विजुअल सपोर्ट द्वारा हम इन लोगों को अलग रूप से सपोर्ट कर सकते हैं या सहायता पहुंचा सकते हैं। और इस दिशा में कि कोविड से संबंधित या इस परिदृश्य में या आज के अभी तक के परिदृश्य में क्या कुछ परिस्थितियां रही हैं जो अल्प दृष्टि वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए कुछ चुनौतियां के रूप में उभरी हैं, या कौन कौन से नए समाधान हमारे बीच आए हैं जिन समाधानों पर बात की जाने की आवश्यकता है, और इन समाधानों को ढूंढने, एक्सप्लोर करने और उन्हें तराशने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि हम मिल बैठकर एक साथ काम करें। जो हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं वह इस कार्य को अपना दायित्व निभाएं, अपना करें। इसको लीड लेते हुए NIPVD और NAB के इंडिया के सहयोग से आज का यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और ये इस कार्यक्रम से अपेक्षाएं हैं कि हम आज कुछ डिस्कस करें, आज कुछ चर्चाएं करें, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे विशेषज्ञ आज हैं और सभी के एक्सपर्टाइज को हम लोग यूज करें और एक एक कुछ निष्कर्ष पर आए कि जो हमें दिशा प्रदान करें, सो वी कैन फाइंड हाउ टू एक्सप्लोर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर रिहेबिलिटेशन, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, स्पेशली फॉर लो विजन। जो एम्पावरमेंट शब्द है वो बड़ा ही डिस्टिंक्ट शब्द है। जब एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि हम किस प्रकार से उनको रियलाइज करा रहे हैं। एम्पावरमेंट मैं नहीं कर सकता किसी का, एम्पावरमेंट तो खुद रियलाइज करने वाला एक टर्म है। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई संस्था कहे कि मैंने उसे इम्पावर कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एम्पावरमेंट मैं खुद में समझने वाला, जिसके साथ हुआ है वह फील करे तो एक बेहतर होगा। तो आज का हमने जो शीर्षक भी रखा है कि एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद लो विजन चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, इसके पर्पस भी यही है कि ऐसे चीजों को सोचना, ऐसे चुनौतियों को समझना जिससे सच में उनके एम्पावरमेंट हो, ताकि वो रियलाइज करें कि ये परिवर्तन उनके लिए माकूल थे, ये जरूरी थे और उससे हम उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म आज एक्सप्लोर किया है हम लोगों ने, बहुत जल्दबाजी में किया है। इसके लिए मैं इसकी अनुमति, इसके मार्गदर्शन और इसकी पूरी रूपरेखा के साथ जुड़े रहे उसके लिए मैं निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत को मैं जानता भी नहीं हूँ। तो आज हम लोगों के बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं इस आज के संचालन में मैं अपेक्षा करूंगा कि जो विमल डेंगला साहब हैं, सर हैं, और वो मुझे सहयोग करें और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे संचालित करें, क्योंकि उनके सहयोग से और बड़ा
अच्छा डिस्कशन हम लोगों के बीच रहा, जो उन्होंने एक बार में हामी भरी और हम लोगों ने एक म्यूचुअली सोच करके इस कार्यक्रम को सोचा कि करें। बहुत रास्ते नहीं थे, बहुत प्लानिंग नहीं था और हम चाहते भी नहीं थे कि प्लानिंग हो, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम इस पे चर्चा ही इसलिए करना चाहते थे कि करना क्या है। सो मैं चाहता हूं कि इस आज का एक जो यह कार्यक्रम है, यह लो विजन पे तो अपनी विशेषज्ञ अपनी राय रखें, साथ में साथ ही साथ बहुत सारे रणनीतियां तैयार हों, क्योंकि मैं महसूस करता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय यहां रख रहा हूं कि मैं महसूस करता हूं कि जो अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जो पुनर्वास के जो तरीके हैं, उनका जो उनका उनके जो एस्पेक्ट हैं, वो ज्यादातर मेडिकल ओरिएंटेड मान लिए गए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे रास्ते और भी हो सकते हैं जो क्या हम उनके लिए कर पा रहे हैं, जितनी अलग ढंग से असेसमेंट होना चाहिए, जो अलग ढंग से उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, अलग कुछ उनके नीड स्पेसिफिक एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं उनको, उनके लिए विशेष साइकोलॉजिकल प्रावधान कुछ होने चाहिए, क्या वो हो पा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक असेसमेंट मात्र जो क्लिनिकल टेस्ट करके कि इनका विजुअल एक्विटी ये है, इनकी विजुअल आवश्यकता ये है, हम उतनी मात्र से कर पा रहे हैं, क्या हम कभी इसकी भी कोशिश कर रहे हैं अपने देश में कि लो विजन जो एड्स दे रहे हैं तो हम कितने डायोप्टर का दे रहे हैं, कोई असेसमेंट कर रहे हैं, या सिर्फ इसे मैग्नीफायर थमा करके बातों को आगे बढ़ा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सो आज हम लोग इस बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विमल नेंगला साहब भी आए और एक्टिंग की तरफ से सभी का स्वागत भी करें। पंकज सर हाँ सर, आगे क्या 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। ओके 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 ठीक। तो हमारे निदेशक महोदय हमारे बीच जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सबको उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में ही हम इस कार्यक्रम को संचालित कर पाए हैं, इस कार्यक्रम को सोच पाए हैं, तो उनके गुड विशेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत कीन रहते हैं। जैसे कि आज मैं जब ये हम लोगों ने छोटा सा एक ब्रोशर बनाया, बहुत जल्दबाजी में बनाया, जब ब्रोशर भी मैंने सर के सामने समक्ष रखा तो उन्होंने पहला प्रश्न यही किया कि क्या ये लो विजन के लिए ये सटीक है, और सच्चाई ये बात थी कि कुछ कॉन्ट्रास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सटीक नहीं था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीजों को, और बड़ा ही उनका बड़ा क्रिटिकल अप्रोच रहता है, बड़ा अच्छे ढंग से चीजों को देखते हैं और उसको करते हैं और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो सर हमारे बीच जुड़े हैं और उनका एक हमेशा सहायता भी रहती है उनकी, तो ये बहुत एक अप्रिशिएशन वाली बात है, हम लोगों को बड़ा बड़ा अच्छा लगता है किसी भी चीजों का कार्य करें, और एक बड़ा अलग दृष्टिकोण लेकर के भी रखते हैं वो अल्प दृष्टि को, क्योंकि एक अलग कैटेगरी इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि इनके नीड्स अलग हैं, इनके लर्निंग नीड्स अलग हैं, इनके इंक्लूजन के जो कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं वो थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, तो क्या हम उन पे काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन सब बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आज फिर से आग्रह करूंगा अपने निदेशक महोदय को, डॉक्टर हिमांशु दास सर को, कि वो आए हमारे सभी प्रतिभागियों और सभी लोगों से का स्वागत करें और दो आशीर्वचन दें। हाय, नमस्कार डॉक्टर पंकज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये बेहतरीन प्रोग्राम को आपके ऑर्गेनाइज किया और देश के बहुत ही अहम कुछ लोगों को आप लोगों ने इस समय इस वेबिनार का पैनलिस्ट बनाया। सबसे पहले इन दोनों चीजों के लिए मैं आपको और आपकी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, और उम्मीद है कि ऐसी पहल आप लोग रोज करते रहेंगे और निर्भेद को जो है अलग एक मुकाम तक आप लोग पहुंचाएंगे। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारा जो पार्टनर है इस प्रोग्राम के, पार्टनर तो क्या उन्हीं लोगों ने मुझे लगता है सब कुछ ही संभाल रखा हुआ है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एनएबी, तो एनएबी के समूह मेंबर और कार्यकारी समिति को मैं नमन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पैनलिस्ट जो है एस के सिंह साहब है हमारे पास, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी है, विमल देंगला जी है, डॉक्टर मानसी है, दीप्ति गांधी मैडम है, सुधा तांबे मैडम है, प्रशांत नायक जी है, विद्या के गोठवाल जी है, मिसेस मीरा जी है, एंड एल बी देशपांडे जी है, इनके ख्यातिमान पूरे देश भर में सबको पता है। आज हम इस वेबिनार को थोड़ा अलग पहलू से पेश करना चाहते थे, कुछ अलग से जागरूकता लाना चाहते थे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में
बिल्कुल दोनों दिव्यांगता को अलग तरीके से लिया गया है, ब्लाइंडनेस और लो विजन को एंटायरली सेपरेट किया गया है, डेफ ब्लाइंड को भी पूरी तरह से सेपरेट किया गया है। लेकिन हम जब अगर इसके ऊपर क्या हमारे रिसोर्स मटेरियल और क्या अचीवमेंट है ओवरऑल अगर हम देखेंगे पिछले 20-30 साल में, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडनेस के ऊपर बहुत विकास हुआ है, बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ब्लाइंडनेस के मुकाबले में जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो लो विजन, पार्शियल साइटेड, डेफ ब्लाइंड, ये सब विषय के ऊपर बहुत कम काम हुआ है, इसके ऊपर फोकस बहुत कम दिए गए हैं, क्योंकि ये RPWD एक्ट के एक अहम हिस्सा है, क्योंकि प्रिवेंशन, स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन, फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शनल ट्रेनिंग, काफी सारा इश्यूज के ऊपर मुझे लगता है अभी आगे आने वाले दिनों में सोचने की आवश्यकता है। NIVH में मैं कार्यभार संभालने के बाद भी मैंने ये सवाल एज ए पेरेंट मैं NIVH के लोगों को पूछा कि मैं बच्चा लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत देखता है, तो मैं चाहता हूँ ऑफ्थल्मिक असेसमेंट इसके हो, मेडिकल असेसमेंट हो आंखों की। फिर मैं इनसे पूछा कि मेरा इसका चाहता हूँ मैं इसका लो विजन की असेसमेंट हो, इसका पार्शियल विजन की असेसमेंट हो, मैं चाहता हूँ इस बच्चे का जो है एक फंक्शनल असेसमेंट हो, मैं चाहता हूँ इस बच्चे का जो है विजन असेसमेंट हो और विजुअल स्टिमुलेशन हो और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग हो, कई सारा सवाल पूछा तो इसका उत्तर मुझे सटीक मिला नहीं। इसीलिए ये वेबिनार के लिए मैं भी थोड़ा जोर दे रहा था कि आप लोगों के साथ मिलके हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और चाहूंगा कि इस विषय को जो लो विजन वाला विषय है, पार्शियल साइटेडनेस की विषय है, इसमें भी अलग बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लो विजन, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पार्शियल साइटेडनेस है अगर हम मेडिकल डेफिनेशन के देखेंगे, और सबकी इंटरवेंशन मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग होगी, सबकी मुझे लगता है असेसमेंट भी अलग अलग ढंग से करना पड़ेगा, सबके लिए मुझे लगता है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से विशेष शिक्षा, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, अलग अलग पहलू से इस विषय को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज के हमारे जो भी है बहुत ही एम्पावर्ड पैनलिस्ट है, मैं चाहूंगा ये पूरे पैनलिस्ट से जो है पूरे देश भर में एक अलग प्रकार की जागरूकता आए और आने वाले दिनों में इस टॉपिक के ऊपर जो है हम अलग प्रकार से चिंता चर्चा शुरू करें और सारे पैनलिस्ट के साथ मिलके इसको अलग प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट तरीके से इस टॉपिक को हम आगे ले पाए। मैं पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं, अभिनंदन करता हूं सारे श्रोताओं को, पैनलिस्ट को, डॉक्टर पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों ने यह अवसर दिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके लिए और आपका मार्गदर्शन और आपका साथ समर्थन हमेशा सभी को मिलता रहता है और हम लोग हमेशा आपसे प्रेरणा लेते रहते हैं कि कुछ नित्य नए कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें और एक आयोजित ही ना करें, उस पूरे कार्यक्रम को ट्रैक करें, उस कार्यक्रम की को एक एक पर्पस के साथ एक सही दिशा में लेकर के आगे भी बढ़े। तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कई लोग हैं, मैं परिचय तो सर ने दिया ही है, कई लोग हमारे बीच विशेषज्ञ हैं जो आज के पैनलिस्ट जो आज हम लोगों ने जो प्रकाशित भी किया था उसे है, मिस्टर SK सिंह साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं NAB के, श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं वाइस प्रिंसिपल प्रेसिडेंट हैं NAB के, डॉक्टर विमल डेंगला साहब हैं ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं NAB के, और इनका काफी सहयोग रहा इस कार्यक्रम को तैयार करने में और इसको निर्माण में। इसके अलावा हमारे बीच डॉक्टर मानसी हैं, यहाँ विवेकानंद आई हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, दीप्ति गांधी मैडम हैं मुंबई से, और सुधा तांबे मैडम हैं, श्री प्रशांत नायक सर हैं, विजय गोथवाल मैडम हैं और मीरा मैडम हैं और देशपांडे सर हैं, तो कई लोग हैं। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच आज हमारे बहुत ही लोकजन पे अच्छा एक समझ रखते हैं हमारे बीच श्री सुनील सिरपुरकर सर है संस्थान में। इसके अलावा थोड़ा माइक को म्यूट रखें प्लीज, जो लोग भी सत्य कुमार सिंह जी, हाँ तो एक एक बड़े लोग हैं, डॉक्टर गीतिका माथुर भी हमारे बीच जुड़ी हैं जो अभी उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, आज से पहले वो यहाँ पर लो विजन इंचार्ज भी थी इस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान में। तो एक एक कई लोग हमारे बीच में देख पा रहा हूँ कि जुड़े हैं और सब लोग हम लोग एक विमर्श के तरीके से इस कार्यक्रम को एक अलग रूप से चलाना चाहेंगे
और मैं चाहूंगा कि सबसे शुरुआत थोड़ा पहले विमल डेंगला सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि इस कार्यक्रम को बनाने में निर्माण में आपका एक सहयोग रहा है, तो प्लीज आए हम सबके बीच जुड़े डॉक्टर जी। डॉक्टर पंकज थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर पंकज आपका इनिशिएटिव लेने के लिए कि आपने नैब इंडिया के साथ के में मिलकर के इस प्रकार के एक टॉपिक पर वेबिनार का आयोजन किया और जिसमें सब कुछ प्री जूडिस कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल अपनी थ्योरीज स्ट्रेटजीज और फ्यूचर पॉलिसीज डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं एनजीओ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कैसे अच्छे काम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि डायरेक्टर साहब का तो आशीर्वाद रेगुलर रहा हुआ है सभी तरह के डिसेबिलिटी सेक्टर के कार्यों के लिए, और ऑनलाइन में तो हम कहेंगे डायरेक्टर साहब सबसे अधिक सहयोगी रहे हैं नैब इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में बात करें या डिसेबिलिटी सेक्टर में, किसी भी अन्य संस्था ने जब भी याद किया है तो डॉक्टर दास सहर्ष आए हैं और उन्होंने अपना एक्सपर्टाइज शेयर किया है। डॉक्टर दास का नॉलेज बड़ा वेरियस वर्सिटाइल फील्ड्स का नॉलेज है उनके पास में, उनके पास में वीआई फील्ड का क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है और मल्टीपल डिसेबल के लिए भी काम किया है उन्होंने, उन्होंने वेरियस डिसेबिलिटीज के लिए डायरेक्टली कार्य किए हैं, तो उन लोगों उनके अनुभवों से हम लोग लाभ उठाते हैं और वो किसी भी कार्य को समझकर बड़े इजीली उसका अनुमोदन करके कार्य को आगे गति से बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेन बात गति की है क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए भी पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही सब कार्यक्रम हुआ है, ये डिसाइड और डिजाइन और डिसाइड और इम्प्लीमेंट। सो आज के जो टॉपिक है इसके बारे में मैं कुछ विचार अपने व्यक्त करता हूं, उसके उपरांत जैसा भी सीक्वेंस होता है हमारे वक्ताओं का, हमारे पैनलिस्ट्स का, ना वक्ता ना बोलकर के पैनलिस्ट बोले, लोबिज्म का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पर जब शुरुआत की हम लोगों ने चर्चा की डॉक्टर पंकज के साथ में, तो हम लोगों का यही विचार था कि लो विजन को एक सेपरेट कैटेगरी की डिसेबिलिटी मानने में ही लोग शायद थोड़ा सा अभी रिजर्वेशंस हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों की मनाही है या हाँ है, लेकिन रिजर्वेशंस हैं कुछ लोगों के, पार्शियली साइटेड, टोटली ब्लाइंड, लो विजन, ये कई सारे टर्म्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आरपीडी एक्ट ने, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया अभी, आरपीडी एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि लो विजन एक अलग कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, जो 21 कैटेगरीज हैं उनमें से एक है। सो हम लोगों को सभी को, पर्टिकुलरली जो संस्थाएं डिसेबिलिटी के साथ साथ ब्लाइंड फील्ड में पर्टिकुलरली ज्यादा काम करते हैं, उनको एक अटेंशन लो विजन के लिए भी देना चाहिए ही चाहिए। कंपैरिजन की बात नहीं है, अगर हम सोचे तो लो विजन का नंबर वाइज पॉपुलेशन जो है वो भी सबसे अधिक नंबर्स में ही आएगी। डेटा मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि टोटली ब्लाइंड से ज्यादा नंबर्स तो लो विजन के हैं ही हैं, और हो सकता है कि अदर डिसेबिलिटीज कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसेबिलिटी का अगर एक सिंगल डिसेबिलिटी में जोड़ेंगे तो शायद लो विजन नंबर 1-2 पे ही आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक लोग हैं जो लो विजन कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि एक बड़ा वास्ट सा फील्ड है इसका। इसको ज्यादा डिटेल में हमारे बीच में मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो है दो असेसमेंट होते हैं, दो तरह के जो टर्म्स यूज होते हैं, एक मेडिकल या क्लिनिकल के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम लोग, और दूसरा हमारा बात होगा उनका टोटल रिहैबिलिटेशन, जिसमें एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड से अगर बात करना शुरू करें हम लोग, अर्ली चाइल्डहुड लें, फिर एजुकेशन लें, फिर एम्प्लॉयमेंट लें, फिर सोशल रिहैबिलिटेशन एंड टोटल इंक्लूजन। इसके ऊपर जो एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों का रोल काफी महत्वपूर्ण है। अभी ऑर्गेनाइजेशंस एज सच जब हम लोगों ने वर्कआउट किया इस वेबिनार के लिए, तो भी लो विजन के लिए कार्य करने वाली स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस तो हमको मिली नहीं कोई। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर तो लो विजन में काम बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि लो विजन की एजुकेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, सोशल रिहैबिलिटेशन के ऊपर उनके कुछ काम विशेष रूप से हो रहा हो, तो संभवतः वो मुश्किल से मिलेगा हमें,
बाकी अन्य लोग अपने विचार शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा ज्यादा, क्योंकि अभी ये फील्ड में नैब इंडिया ने भी पिछले कुछ वर्षों में कार्यक्रम किए जरूर है, लेकिन हमारा कार्यक्रम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस पे ज्यादा हुए हैं, हमारे कार्यक्रम ब्लाइंड सेक्टर में इन जनरल हुए हैं जिसमें लो विजन भी बेनिफिटेड होते रहे हैं, लेकिन लो विजन के लिए स्पेसिफिक कार्यक्रम की हम लोगों को आवश्यकता है। अभी उसी बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं हम कि हम लोगों को सबसे पहले शुरुआत करनी होगी हमारे वर्कफोर्स, हमारा मैन पावर जो है, चाहे उसके अंदर हम टीचर्स को जोड़ें, चाहे हमारे जो अदर वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे ऑनरेरी वर्कर्स हैं, उन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा कि केवल मैग्नीफायर या लार्ज प्रिंट से ही हम लो विजन की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। लो विजन के अंदर उनको थोड़ा सिक्योरिटी की भावना भी चाहिए, उनके अंदर काफी इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि वो एक डिलेमा में होते हैं कि वो सामान्य फील्ड के स्कूल्स में जाएं, स्पेशल स्कूल्स में जाएं या क्या करें। उन चीजों के लिए हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारी टीम एक्सपर्ट्स की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग देने के लिए ट्रेंड किया जाएगा पहले, वो हमारी एक जरूरत है कि हमारे टीचर्स या हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं उन लोगों के पास ट्रेनिंग्स हो और वो लोग सक्षम हो सके मेडिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली एक्शन लेने में। केवल मेडिकल असेसमेंट तो कर देते हैं हमारे जो डॉक्टर्स के या मेडिकल टीम जो है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो तो करते हैं, वो नैप भी करता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद लो विजन के लिए हमें काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा समय नहीं खर्च कराऊंगा आपका, बीच बीच में अवश्य सहायता के लिए जैसा डॉक्टर पंकज ने बोला मैं अवश्य आपके बीच में आता रहूंगा, लेकिन अब मैं सभी आयोजकों की धन्यवाद दूंगा, स्पेशली डॉक्टर पंकज और उनकी टीम को निपविट की जो उन्होंने इतने शॉर्ट टर्म में इसका प्रोग्राम का इतना अच्छा खाका तैयार किया और अच्छे अच्छे लोग जोड़ने के लिए कुछ सहयोग नैब इंडिया ने भी किया है, नैब इंडिया ने एक्सपर्ट्स जो हमारे कॉन्टेक्ट के थे वो लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, मुस्कान फाउंडेशन से दीप्ति जी हैं, सुधा तुम्बे जी हैं लोटस हॉस्पिटल से, फिर हमारे बीच में एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर देशपांडे जी हैं, उसके अतिरिक्त हमारे एनएबी इंडिया के ऑफिस बेयरर्स, स्टाफ, एचओडीज, सभी लोगों ने काफी एफर्ट्स किए हैं इसके अंदर, नाम की बात नहीं, उनके लिए सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे पैनलिस्ट निर्धारित है उनको मैं अनुरोध करता हूँ बारी बारी से कि वो आकर के जो इस फील्ड के जो चैलेंजेज वो फील करते हैं, जैसा एक एक मोटे मोटे सतही तौर पे तो चैलेंजेस आ चुके हैं, कुछ एक कुछ बारीकी चैलेंजेस भी अगर हमारे बीच आए या उनकी जो राय में उनका जो बहुत व्यापक अनुभव है वो क्या मानते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उपागम हो सकते हैं, क्या निराकरण हो सकते हैं, उन पर हम लोग थोड़ा एक डिस्कशन या वो अपना अपने सुझाव दें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 5 से 7 मिनट लें और अपने वक्तव्य को रखें और उसके बाद बाद में हम लोग फिर एक एक डिस्कशन के फॉर्म में रखेंगे इसे, लेकिन शुरुआत में 5 से 7 मिनट का वो अपना एक अनुभव इस चीज फील्ड के लिए, इस कंसर्न के लिए या लो विजन पर्सन्स के रिहेबिलिटेशन के लिए, जो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रयास है या क्या उनको लगता है चुनौतियां हैं या क्या समाधान और सजेस्ट करते हैं, वो बारी बारी से मैं सभी से निवेदन करूंगा। लिंगना सर को मैंने आग्रह अनुग्रह पहले इसलिए किया क्योंकि सर का मैं सहयोग भी चाह रहा था, इस प्रोग्राम को कंडक्ट भी कर लेंगे हम मिलकर के। तो मैं सबसे पहले अब आमंत्रित करता हूं, पैनल में हमारे बीच हैं श्री एसके सिंह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं एनएबी के, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना जो एक अनुभव है, बहुत उनका व्यापक अनुभव रहा है और जब इतने एक बड़ी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और एक लोग तो हमारे जो भी रहे सब एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं, तो मैं सर को चाहूंगा सर हमें एक एक अपना अनुभव अपने हमारे बीच साझा करें और इसलिए मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर श्री एस के सिंह सर। धन्यवाद पंकज जी, हमारे नैब इंडिया के सारे पदाधिकारी, एनआईबीएच के सारे एम्प्लॉई, सारे अधिकारी कर्मचारी और दीप्ति जी जो मुस्कान संस्था से हैं और जो तमाम हॉस्पिटल से लोग हैं और तमाम एनजीओ से लोग हैं, सभी
का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं केवल मुद्दे पर ही आऊंगा, हम डायरेक्टर साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हम लोगों की उनका सहयोग और उनका अनुभव हम सबको मिलता रहता है, और ये शायद पिछले कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया और NIVH का एक साथ कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में, चाहे आंशिक दृष्टिबाधित हो या पूर्ण दृष्टिबाधित हो, उनके क्षेत्र में हम कुछ अधिक काम कर सकेंगे। अब हम बात मुद्दे की करते हैं, हम वहां से शुरू करते हैं। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब, ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने जो कहा था किलो विजन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि लो विजन, पहले तो लो विजन के घर के परिवार के लोग ही उसको ब्लाइंड कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि उसे दिखता, क्योंकि 40% से विकलांगता शुरू होती है लो विजन की, तो 40-45-50 वाले पहले कुछ दिनों तक तो जान नहीं पाते कि लो विजन में आते हैं, और अगर जान भी पाते हैं तो तब तक वो बताना नहीं चाहते जब तक उनकी मजबूरी ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या, शर्म, संकोच, हेजिटेशन और थोड़ा बदनामी का डर, ये एक बात रहती है लो विजन के क्षेत्र में। मैंने महसूस किया है अभी पिछले 10-15 वर्षों से लोग लो विजन बताना शुरू किए, बताना ही शुरू नहीं किए हैं, अब तो फर्जी भी लो विजन का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब से नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा, नौकरियों में सुविधा मिलने लगी और लो विजन को थोड़ी प्रायोरिटी ब्लाइंड से ज्यादा ही मिल जाती है जब सामान्य रूप से इंटरव्यू होता है, तो लो विजन वो सारे काम करीब करीब कर लेता है, जो ब्लाइंड करता है या नहीं भी कर पाता वो भी लो विजन कर लेता है। तो नौकरियों तक तो उन्होंने ये सब काम किया है, लेकिन अभी लो विजन के लोग ब्लाइंडनेस की एक कैटेगरी में आते हैं, ऐसा अभी कह पाना उनके लिए आसान नहीं हो पाया है। और इसके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारे कई साथियों ने बोला काउंसलर, काउंसलिंग होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि एक जमाना था ब्लाइंड कहना भी लोग घरों में बताते नहीं थे कि मेरे घर में ब्लाइंड है, उसी तरह लो विजन की स्थिति है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लो विजन के लोगों को बताया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति हमसे थोड़ी ज्यादा खराब है कि ना वो देखने वाले में है और ना वो ब्लाइंड में है। अब कई बार उनको उनके साथ मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए तो ईमानदारी से देखा जाए तो नहीं बनेगा, लेकिन बनवा भी लेते होंगे लोग, बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉब्लम उनकी हमसे ज्यादा, क्योंकि हमारा तो मामला क्लियर है कि मैं टोटली ब्लाइंड हूं तो हूं, तो उनके लिए कुछ बहुत काम करने की जरूरत है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि उनके एम्प्लॉयमेंट में, हमने तो भारत सरकार से, क्योंकि हम दोनों कैटेगरी में टोटली ब्लाइंड और लो विजन में हम डिफ्रेंशिएट ये जरूर चाहते रहे कि सरकार अलग अलग आरक्षण करें, हालांकि वो हो नहीं पाया, लेकिन एक बात में तो हम सफल रहे कि लो विजन और टोटली ब्लाइंड की डेफिनेशन अलग अलग कर दी गई, और ये बहुत अच्छा है। अभी जल्द में कुछ अधिकारीगण लो विजन और ब्लाइंडनेस को एक साथ जोड़ देते हैं, कभी कभी इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लो विजन के, और तब लो विजन और ब्लाइंड के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होने लगती है, क्योंकि ब्लाइंड चाहता ये चीज हमारे लिए होनी चाहिए, लो विजन चाहता हमारे, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले तो सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक स्वीकृति और आत्मस्वीकृति, आत्मस्वीकृति से मेरा मतलब कि लो विजन के लोग भी ये माने कि वो ब्लाइंडनेस की एक कैटेगरी में आते हैं। मैं पंकज जी का और सभी साथियों का, और यहाँ लो विजन के बहुत स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, हमारा अनुभव उन सबसे तो ज्यादा नहीं हो सकता, दीप्ति जी या हॉस्पिटल्स के जो लोग जुड़े हैं, और उनके मेडिकल के क्षेत्र में जो तो काम हो रहा है ठीक है, पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके नौकरियों के लिए ये काम बहुत जरूरी है कि होना चाहिए। मैं एक बार आप सबका, डायरेक्टर साहब का, डॉक्टर पंकज जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम किया, और अब इसी तरह के हमें कुछ सेमिनार करने पड़ेंगे, लो विजन के अलग, 100% ब्लाइंड के लिए अलग, और दोनों के लिए जॉब एवेन्यूज। अभी तो क्या प्रॉब्लम है, जॉब में भी एक प्रॉब्लम है, जो काम, जो पद चिन्हांकित है 100% ब्लाइंड के लिए, वही पद चिन्हांकित है लो विजन के लिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लाइंड जो काम कर सकता है वो लो विजन कर सकता है, लेकिन लो विजन बहुत से काम ऐसे कर सकता है जो टोटली ब्लाइंड नहीं कर सकता। तो पदों के आइडेंटिफिकेशन में NIVH की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि 3 साल बाद पदों का चिन्हांकन होना चाहिए, 2016 या 2015 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है, तो ये भी एक बात होनी चाहिए कि पदों के चिन्हांकन में कोशिश करनी चाहिए कि लो विजन के लिए वो पद मिले जो ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड कर ही नहीं सकता जिन पर, तो ऐसे पद मिलेंगे तो पदों के चिन्हांकन के बाद पदों के वर्गीकरण में और इंप्लॉयमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल है कि एम्प्लॉयर के सामने जब हम जाएंगे तो लो विजन को प्रीफर करेगा, टोटली ब्लाइंड को कम प्रीफर करेगा। लेकिन हमारा इससे झगड़ा नहीं, हमारे दोनों, हम दोनों साथी हैं,
हमें दोनों के लिए समान रूप से काम करना है, दोनों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, दोनों को सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए, समाज में समानता का अवसर मिलना चाहिए, ये सब कुछ दोनों को मिलना चाहिए। और आप सब लो विजन के क्षेत्र में हमारे देश में काम, हमारे क्षेत्र में तो ब्लाइंड के लिए भी काम, कमुआ डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि देखा जाता है तो ब्लाइंड का काम तो इसलिए ज्यादा हुआ, ब्लाइंड ने प्रेशर ग्रुप का काम बहुत किया देश में, आंदोलन बहुत किया, सड़कों पर मांग बहुत की, डिमांड बहुत किया, दबाव सरकार पे बहुत बनाया, इसलिए टोटली ब्लाइंड का काम हुआ। लेकिन टोटली ब्लाइंड के साथ तमाम दिव्यांगों का भी भला हुआ उसमें। तो मैं अंत में NIBS के ऑफिस बेरर से और डायरेक्टर साहब से भी यही कहूंगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मिलजुल करके दृष्टिबाधितों के कल्याण के क्षेत्र में और लो विजन के क्षेत्र, दृष्टिबाधित जो हैं लो विजन वाले, उनके लिए हम अधिक से अधिक काम कर सकें और हम आगे भी आप एक दूसरे से हम लोग जुड़ करके बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी लोगों का NAB इंडिया की तरफ से, जो हमारे ऑफिस बेरर इन्वॉल्व रहे और जो NIBS से रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके काफी बहुत इंस्पायरिंग शब्द आपने यहाँ कहे हैं और बहुत अच्छे संदेश आपने रखे हैं कि यहाँ कोई कोई विवाद का विषय नहीं है, जबकि यह एक पूरकता की ओर है कि जब भी हम बात करते हैं तो ये ब्लाइंडनेस या लो विजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कोई इशू नहीं है, ये तो एक नीड बेस्ड अप्रोच को लाने और उसके उपयोग का विषय है। मैं इसी तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो हमें एक दिशा भी देगा बाद में कि हम जो आप जैसे जो गणमान्य लोग हैं उनके जो मुख्य सुझाव हैं या जो आपने आपके मंतव्य हैं वो हमारे काम आए और हम इसे बाद में इसे लाइव भी करेंगे। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जुड़े हैं आज NAB से ही वाइस प्रेसिडेंट हैं NAB के श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल सर, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, बहुत सारे अवसरों में उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे भी अनुरोध है कि कुछ अपने मंतव्य वक्तव्य रखें लो विजय के। धन्यवाद पंकज जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा NIEPBD को कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो ये वेबिनार रखा गया है, इसके लिए निश्चित तौर पर NIEPBD के डायरेक्टर साहब और आपकी पूरी टीम इसके लिए बहुत ही इसका श्रेय जाता है, और साथ ही साथ हमारे नैब इंडिया के सेक्रेटरी डिंगला साहब और पूरी टीम जो साथ में इसको कोऑपरेट की। अभी हमारे सिंह साहब ने जो बात रखी उसी परिप्रेक्ष्य में बात को आगे बढ़ाते हुए उसी परिदृश्य में मेरा जो मानना है कि लो विजन को लेकर के हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को, स्पेशली जो रिहैब फील्ड का हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको और इम्पावर्ड करने की जरूरत है, उसके नॉलेज को, उसके नो हाउ को और बढ़ाने की जरूरत है कि हाउ कैन दे यूटिलाइज द रिजिडुअल विजन ऑफ द लो विजन पर्सन, क्योंकि निश्चित तौर पर लो विजन एक होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है जैसा कि टोटली ब्लाइंड पर्सन के साथ है, इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हर लेवल पे जा सकता है। ऐसे भी रिजिडुअल विजन वाले पर्सन हैं जो खाली, जिनको खाली लाइट प्रिस्क्रिप्शन है, तो कैसे हमारा एजुकेटर, हमारे रिहैब प्रोफेशनल कैसे उसकी रिजिडुअल विजन को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सके फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर मोबिलिटी पर्पज, फॉर सोशल इंटीग्रेशन पर्पज, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमको फंक्शनल एक्टिविटीज को फोकस करना है, क्योंकि मेडिकल इशू पे तो बहुत लैकिंग है। सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लो विजन का सर्टिफिकेशन बिल्कुल टफ एक्टिविटी है, और वो एक बहुत बड़ा अलग से एक डिबेटिंग इशू है कि हाउ कैन वी हैंडल द मेडिकल सर्टिफिकेशन। और इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर हमने अर्ली आइडेंटिफाइड किया आंगनबाड़ी के लेवल पे उनको ये आइडेंटिफाइड करके रिजिडुअल विजन को इफेक्टिवली यूज करना सीखा दिया या सीखने का प्रयास किया, उनके पेरेंट्स को बताया, तो बहुत सारी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि
कि कैसे हम अपने एजुकेटर्स को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर कर सके, ज्यादा से ज्यादा नाउ दे सके, और बाकी मेडिकल इशू को लेकर एनआईईटी ईडी को अलग से पहल करनी होगी कि कैसे एक मैकेनिज्म बन सके कि इनका सर्टिफिकेशन हम मेडिकल असेसमेंट को किनारे भी कर दें, एड्स एंड अप्लायंसेस को अलग भी कर दें, तो मेडिकल सर्टिफिकेशन तो मस्ट है फॉर एनी अदर एक्टिविटी। तो मेडिकल सर्टिफिकेशन एक बिग चैलेंज है और उस पर बहुत ज्यादा एक्टिवली हमको कुछ प्लान आउट करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमारे एजुकेटर्स को कैसे हम लो विजन इश्यूज को लेकर ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कर सकें, ज्यादा नो हाउ दे सकें, और इस तरह की चीजों में नैब इंडिया पूरी तरह से कोलाबरेट करके आगे इन इश्यूज को ले जाने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार है। और डायरेक्टर साहब ने पहले ही इसको एज ए चैलेंजिंग रखा ही है, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें एक्सेसिबिलिटी के इशू को लेकर और ऑनलाइन इशूज को लेकर के और डिजिटल ट्रेनिंग को लेकर के और भी तमाम ऐसे इशूज पे हम लोग बात कर सकेंगे पुनः हम इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए। और अभी हमारे हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे बीच जो मेडिकल एक्सपर्ट्स और लो विजन एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को सुने और उससे और क्या हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं इस पर विचार करें। इन्हीं बातों के साथ NIEPED का धन्यवाद करते हुए और आने वाले समय में इस तरह के संवाद को और आगे ले जाने की ओर अग्रसर होते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी और बहुत प्रभाविकता के साथ अपनी बातों को रखा है, और वही बात आपने अपने बहुत पिन पॉइंटेड रूप में रखा है कि जो अलग से मेडिकल रिहैबिलिटेशन और जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है उनको देखे जाने की जरूरत है, और साथ में भी बहुत सारे चीजों को देखना होगा जिसको अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच है दीप्ति गांधी मैडम, ये फाउंडर ट्रस्टी है मुस्कान फाउंडेशन मुंबई से है, और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है इन्होंने काफी कुछ इस फील्ड में किया है जो लो विजन बच्चों के साथ उनका अनुभव भी रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैडम अपने अनुभवों को अपने जो आपका आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसे हमारे बीच साझा करें। दीप्ति गांधी मैडम। Thank you, Pankaj sir. First of all, I would like to thank NIPMED, Mr. Das, all the dignitaries from NAB, Ms. Singh sir, Vimal sir, Gopal sir. My journey with low vision started with NAB. जो पहले lessons जो मिलते हैं बच्चे को, वैसे मुझे पहले lessons मिले NAB में low vision के, और आगे मैं कल ही Pankaj sir को बोल रही थी कि 20 साल पहले मैं NIVH आई थी और वहां से मेरा जो फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ, तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दोनों संस्था को कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया है। और लो विजन के बारे में अगर हम बात करें तो सभी लोगों ने बात कही है। What I want to speak about is multiple disabilities, low vision in multiple disabilities. Okay, the number of children with multiple disabilities, low vision plus additional disabilities, is increasing day by day because more and more medical services are being available. So children who would otherwise die are surviving, but they survive with multiple disabilities, and people are not really able to understand low vision with multiple disabilities. Like Gopal sir said, they are not even getting certified as low vision. People are only looking at the main cause of the disability. So suppose a child has cerebral palsy and cortical visual impairment, lot of thrust is given on cerebral palsy, they look into that more, and very few services are given related to low vision. There are no assessment formats available right now in India for multiple disabilities, low vision in multiple disabilities. Like Gopal sir pointed out, identification of these children with multiple disabilities is not done. Education for these children
in mainstream schools or in special schools is not given the way it should be given. Later on, when they go for vocations, you know, they are not given these services pertaining to their amount of vision or vision that they have. Also, when there is multiple disabilities, we need to work with other professionals like the ophthalmologist, the speech therapist, the occupational therapist, the physiotherapist. They know that there is some problem in vision, but they are not able to understand. And we must create awareness among the other professionals about low vision in other disabilities. We must, you know, help them out, create some assessment techniques where they can also understand what low vision is, what their special needs are, understand what multiple disabilities is. And I urge NIVH to create something, you know, create some assessment tools for multiple disabilities, create understanding about the among the other professionals, what are their special needs, help them in mainstreaming them in the schools, in the colleges, in wherever they are employed. I think the other points that I wanted to make, everybody has said about vision rehabilitation. You know, when you go to a doctor, they only speak of vision stimulation. But actually, the vision rehabilitation program has three steps. It is vision stimulation, visual efficiency, and visual utilization. So this also should be made clear to everybody what is vision rehabilitation. It is not just giving low vision devices. It is much more than that. What are the adaptations that should be made? What are the modifications one must make? So these are some areas where we are not looking into. And so we all can work together and make a better world for persons with multiple disabilities, what I want to say, low vision with multiple disabilities. Thank you, Pankaji. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words and your experience and your suggestion about, especially for persons with low vision, with having some additional disabilities. And we have to focus on the more advanced strategy that visual stimulation is alone not beneficial if you are not thinking about the visual other aspect of the visual efficiency development. So as a next panelist, I would like to invite Ms. Sudha Tambe, madam. She is from Lotus College of Optometry and Eye Hospital, Mumbai. So main request karunga Sudha Tambe ma'am ko ki please join kare hum logo ko aur apne experiences ko yahan rakhe jo low vision persons ke liye. Sudha Tambe ma'am. Hey, good afternoon, all dignitaries, and it really gives me immense pleasure to be present amongst you. I work as a low vision rehab specialist with Lotus College of Optometry, and we come under Lotus Eye Hospital in Juhu, Mumbai. And we were very much contributed a lot for Sight Savers Vision 2020 program, jabki jo 2008 mein chalu hua tha. और मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो विजुअल इम्पेयरमेंट, और उसमें भी लो विजन ज्यादा है. जबकि मेरा थीसिस भी वही था, वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स विजवी जॉब प्लेसमेंट फॉर द पर्संस विद विजुअल इम्पेयरमेंट. मैंने जब लोटस में चालू किया था एज अ लो विजन रिहैब स्पेशलिस्ट, तभी हमने पहले हमारा एक तत्व प्रिंसिपल किया था कि जो भी अपना पेशेंट है, अर्ली इंटरवेंशन करके आखिर तक, आखिर में जब तक वो सक्षम ना बन सकता है तब तक हम उसको मदद करेंगे. कभी भी हमारे आए हुए कोई भी पेशेंट को ऐसा ना लगे कि हमने उसे बीच में छोड़ दिया है. अभी एक आश्चर्य की बात है कि आज अपना ये प्रोग्राम है और कल ही मेरे एक पेशेंट जो अभी 12th स्टैंडर्ड पास हुआ है, कॉमर्स करने के लिए मैंने उसे कहा था, उसका मुझे कल उसके मम्मी का फोन आया था कि अभी 12th के बाद कौन सा कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए. तो ये जो काउंसलिंग होता है बच्चों का करियर काउंसलिंग के हिसाब से कि आगे चल के वो क्या कर सकते हैं, वो भी एक लो विजन रिहैब असेसमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. जैसे कि आप जब बी कॉम हो जाते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ से क्या कर सकते हैं, स्कूल में काफी उनको तकलीफें आती है उसके लिए क्या कर सकते हैं,
हम हमेशा लोटस आई हॉस्पिटल और कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री की तरफ से हमेशा हम लो विजन के कैंप्स करते हैं, और ये सब ब्लाइंड स्कूल जो है वहाँ काफी हम लोग को तजुर्बा होता है कि टोटली ब्लाइंड बहुत कम होते हैं और काफी लोगों को लो विजन होता है, जबकि हमारे पास वेरी मच एडवांस लो विजन डिवाइसेस होते हैं जो हांगकांग लो विजन रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से है। इसकी वजह से उनकी दृष्टि काफी सुधर जा सकती है और उनको ब्लैक बोर्ड से वो दिख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मुझे लगता है बेसिक प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ करने के लिए सेंटर्स अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि इंडिया लेवल पे ये हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे सब बोल रहे हैं कि ओनली लो विजन पर से ऐसे कभी कभी भी कार नहीं होता है और उसमें कंफ्यूजन भी काफी होता है, तो इसके लिए ऑप्टिक प्लस नाम के इंटरनेशनल मैगजीन में मैंने काफी आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ। बिकॉज ऑटिज्म एंड लो विजन इसमें हमेशा कंफ्यूजन है, बच्चा ऑटिस्टिक है और लोगों को लगता है कि नहीं उसको लो विजन है। जब हमारे पास आता है हम असेसमेंट करते हैं तब पता चलता है कि नहीं इसकी आंखें तो अच्छी है, इसको ऑटिज्म है क्योंकि काफी उनके ट्रेंड्स सिमिलर होते हैं। दूसरी बात कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट की है, वो और लो विजन उसमें कंफ्यूजन होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी और लो विजन इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों का अर्ली असेसमेंट करने के लिए पहले हमेशा आंखों का लो विजन का असेसमेंट करना चाहिए। जब उसमें पता चलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है लो विजन की, तब अर्ली इंटरवेंशन के हिसाब से लो विजन रिहैब स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं। यदि वो नहीं होता है और दूसरी डिसेबिलिटीज है तो अर्ली इंटरवेंशन करके हम लोग उसको उसी हिसाब से रिफर करते हैं। दूसरी बात यह है कि सर्व शिक्षा अभियान, उनके पास काफी ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल काफी है। हमारे पास कोई भी स्कूल में जाने वाला बच्चा जब आता है तब हम उसे हमेशा सर्व शिक्षा अभियान को रिफर करते हैं, जबकि उनकी जो विशेष शिक्षक है वो लोग उसको मदद करते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम जब काम करते हैं तो हमारे पास स्पेशलाइज लॉग मार्क चार्ट है। लॉग मार्क चार्ट की तरफ से वजह से हम उसका परफेक्ट असेसमेंट होता है कि लो विजन में उसको क्या एग्जैक्टली उसकी जरूरत है। ये सब ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट करते हैं जो मेरे अंडर इंटर्नशिप करते हैं। जब ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट का असेसमेंट 2-2.5 घंटे के बाद खत्म होता है तब एज अ लो विजन रिहैबिलिटेट स्पेशलिस्ट मुझे पता चलता है कि इसे कौन से डिवाइसेस की जरूरत है और डिवाइस के साथ उसकी एज हिसाब से कोई एजुकेशन रिहैबिलिटेशन है या फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है कि उसका एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन कैसा करे, जबकि वो बच्चा बड़ा है, जबकि वो आदमी बड़ा है तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जब उनको क्या जरूरत है, अभी उनको जैसे कि जॉब या कंप्यूटर सीखने की जरूरत पड़ती है जो स्पेशलाइज है, ये सब चीजें हम उनको बताते हैं। तो ये ऐसे ऑप्टोमेट्री यानी मेडिकल और अपना लो विजन रिहैब स्पेशलिटी से दोनों मिलके काम करना, इट इज अ मल्टी स्पेशलिटी कैटेगरी। और जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन गैप, आपने ओपन करना चाहिए कहाँ कहाँ सेंटर्स है अवेलेबल है जहाँ स्पेशलाइज सर्विसेज है, ये एक लिस्ट बना के ऑल ओवर इंडिया आप सभी देते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। और फाइनली मुझे कहना है कि आज की दुनिया है, इंटरनेट का जमाना है, तो अर्ली इंटरवेंशन के हिसाब से जितना जल्दी बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट किया जाए उतनी बहुत जरूरत है ताकि वो बच्चा आगे चल के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अच्छा कर सके। आज ये हम जो सब मिलके ये सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसमें मुझे बहुत खुशी है और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के भी मैं काफी आपको और मदद कर सकूं। एंड या वी आर ऑलवेज देयर एट लोटस कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड आई हॉस्पिटल इन जुहू मुंबई, एंड व्हेनेवर एनीबॉडी हैज एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक सिर्फ हमें बताया ही नहीं, बहुत सारे बारीकी रास्ते बताए आपने, और साथ ही साथ आपने एक बड़ा अच्छा एक अपना जेस्चर दिखाया कि यू आर रेडी टू हेल्प अस एट एवरी स्टेज। सो इट्स अ वेरी गुड फॉर अस कि आप जैसा रिसोर्स पर्सन या आप जैसे जो लोग हमारे किसी भी इस कार्य को रहेंगे तो जरूर वो एक इम्प्रूव्ड रहेगा और एक रेक्टिफिकेशन भी पैरेलली चलता रहेगा।
और आपके फीडबैक हमेशा हमारे लिए जरूरी रहेंगे। तो मैं हम लोग तो आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि प्लीज कनेक्टेड रहें, और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ आज से ये पहला कार्यक्रम नहीं हो और ये कार्यक्रम एक दिशा दे, सो दैट वी कैन चेंज सम काइंड ऑफ सिनेरियो फॉर पर्सन्स विद लो विजन इन द कंट्री एंड जॉइंटली वी कैन डू दिस। ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं जब साथ मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब मैं अगले पैनलिस्ट के रूप में आज के जुड़े हैं हमारे बीच श्री प्रशांत नाइक जी। प्रशांत नाइक जी को फाउंडर है टॉकिंग इन एटीएम इंडिया के, वो हमारे बीच जुड़े हैं, उनका भी काफी अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। तो मैं चाहूंगा कि श्री प्रशांत नाइक जी आए और अपने अनुभवों को साझा करें हमारे बीच। श्री प्रशांत नाइक जी नमस्ते, धन्यवाद इस वेबिनार के लिए जो लो विजन स्पेसिफिक आपने रखा हुआ है, और मैं खुद एक पर्सन विद लो विजन हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर पाऊंगा ऑर्गेनाइजेंस को जो भी इस पर्टिकुलर वेबिनार के है, हमारे नैब इंडिया जो मेरी खुद की पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एज वेल एज निपेड के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अल्बिनिज्म पर्सन विद अल्बिनिज्म हूँ, तो अल्बिनिज्म कंडीशन में ज़्यादातर लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जो माइल्ड से लेके सीवियर तक जा सकता है, और मैक्सिमम अल्बिनिज्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो विजन। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे आज के इस पार्टिसिपेंट लिस्ट में कुछ अल्बिनिज्म द पर्सन विद अल्बिनिज्म भी है। अगेन दूसरे जो लो विजन कैटेगरी है जो हो सकते हैं कि जो एज व्यक्ति हो ओल्ड व्यक्ति हो उनको भी लो विजन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एज डिस्कस हुआ आज के इस वेबिनार में पहले स्पीकर्स ने बताया नंबर बड़ा है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, जो शायद कहीं डेटा अवेलेबल नहीं है या इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्पेसिफिकली काम कर रहा है ऐसा नहीं है, इसकी वजह से शायद हम तक इसके बात की जानकारी नहीं है। तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आज मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, लेकिन मेरी जो जर्नी रही है इस क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया मैं खुद पर्सन विद लो विजन हूँ, तो एजुकेशन में मेरे जो चैलेंजेस रहे या फिर जब मैंने अपनी करियर स्टार्ट की जो नैप इंडिया के पहले साइबर कैफे फॉर द ब्लाइंड 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और ऑलमोस्ट 10-12 साल मैंने अलग अलग एनजीओस के साथ काम किया इस क्षेत्र में, और जो मेरा जो मेन एरिया है जो एक्सपर्टीज है वो टेक्नोलॉजीज फॉर द ब्लाइंड एंड लो विजन के क्षेत्र में है। तो आज बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 8 साल से, तो उसमें भी जो आपने जो नाम पढ़ा टॉकिंग एटीएम, तो वो भी एक उपलब्धि है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और लो विजन के लिए जो एक सोल्यूशन अवेलेबल है एटीएम एक्सेस के लिए टॉकिंग एटीएम, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उसका निर्माण किया या उसमें एक अपना हथबार दिया, जिसमें मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और ये जो मैं वेबसाइट मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें सारा डेटाबेस मेंटेन रख रहा है कि सारे बैंक्स के कौन से एटीएम टॉकिंग एटीएम है, जिसमें ना ही स्पीच आउटपुट है पर उसके साथ हमने ये भी देखा है कि जो भी स्क्रीन्स है उसमें बोल्ड और बड़े अक्षरों में अच्छे कॉन्ट्रास्ट में फॉन्ट रहे। सो बात करते हैं अगर आज चैलेंजेस के बारे में जो मैं खुद एक्सपीरियंस किए या एक्सपीरियंस कर रहा हूं या उसके सॉल्यूशंस के बारे में, तो अभी जो मैडम ने भी बताया सुधा मैडम ने कि कम्युनिकेशन गैप या अवेयरनेस, तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस एक बड़ा चैलेंज लो विजन के केस में है। अवेयरनेस जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स के साथ भी है, एज वेल एज स्पेसिफिक अवेयरनेस के इश्यूज भी है, जैसे कि मैं अगर वर्क प्लेस में या कोई मेरा एम्प्लॉयर है या कहीं पे मैं कोई शॉपिंग मॉल में जा रहा हूं, अलग अलग जगह पे लो विजन स्पेसिफिक अवेयरनेस उनके लिए क्या चाहिए या उनको क्या तकलीफें होती है बहुत ही कम लोग इसके लिए नॉलेज रखते हैं। सिमिलरली अगर जैसे मैडम ने बताया कि कुछ सेंटर्स अवेलेबल है लो विजन स्पेसिफिक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी लिस्ट या उसका जानकारी आज अवेलेबल नहीं है। आज अगर हम एज अ विजन इम्पेयरमेंट करके कोई एनजीओ के पास जाते हैं तो
वो उनके पास स्पेसिफिकली ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो लो विजन चलाता है, या दे डू प्रोवाइड सर्विसेज टू लो विजन, लेकिन स्पेशलाइज जो चाहिए जिस तरह से लोटस आई हॉस्पिटल हो या एलवी प्रसाद हो, उस तरह के हमको और सेंटर्स होने चाहिए और इस तरह के एक विंग होनी चाहिए हर एक एनजीओ में ताकि हेल्प दे सके। अवेयरनेस का और एक फायदा हो सकता है कि अगर लो विजन विजुअल इंपेयरमेंट के कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे 40% या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या कुछ कुछ केस में तो 75% या उससे भी ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसके केस में भी अवेयरनेस नहीं है काफी हद तक आज लोगों, क्योंकि उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं या वो डिसेबिलिटी के सेक्टर में नहीं है, तो काफी नंबर ऑफ लोग है जो, मेरे काफी दोस्त भी है जो पर्सन अल्बिनिज्म है, जो आज विजन इंपेयरमेंट के कैटेगरी या लो विजन कैटेगरी में है ही नहीं, तो ये भी एक चैलेंज है अगर मैं लो विजन की बात करता हूँ। दूसरा चैलेंज सोशल, जिसकी भी बात हमारे एनएबी के ऑनररी सेक्रेटरी जनरल जी ने की कि सोशल एंगल है, फैमिली मेंबर्स और आप अगर वर्क प्लेस में जाते हो तो आप ओपन नहीं होना चाहते कि आपका विजन इंपेयरमेंट है, क्योंकि विजन इंपेयरमेंट हो सकता है कि किसकी किसकी केस में जो 40% या उससे नीचे या थोड़ा सा ऊपर हो, तो सोशल एंगल फिर मैरिज को लेके भी है या अदर आप अगर रास्ते से जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे हेल्प मांगना है, क्योंकि लोगों को लगता है यार इसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ही इज नॉट कैरिंग एनी वाइट केन, तो अगर आप बस का नंबर पूछ रहे हो, कोई इंडिकेटर्स नहीं देख पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर आपको हेल्प लगती है, तो वो हेल्प मांगने में चैलेंजेस आते हैं या हेल्प मिलने में चैलेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली सोशल एंगल लो विजन के केस में है बहुत बड़ा है। इसी को लेके अगर मैं डे टू डे लिविंग की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल शॉप में जाता हूँ तो मेडिकल के स्ट्रिप्स के ऊपर के नाम देखना, एक्सपायरी देखना, अगर कोई कस्टमर केयर में चला जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बैंक के काउंटर्स के ऊपर ऊपर लिखा रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो विजुअल है जो कुछ डिस्टेंस से हमको देखनी है वो नहीं देख पाते, और इमीडिएटली आपके पास इस तरह के सॉल्यूशन शायद नहीं है, या कुछ कुछ जगह पे आपको पेपर्स दिए जाते हैं, फॉर्म्स दिए जाते हैं, वो बहुत ही जेरोक्स फॉर्म्स रहते हैं या पूरे कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, तो सब पढ़ पाना डे टू डे लाइफ में फॉर अ लो विजन पर्सन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और उसी को लेकर अगर मैं एजुकेशन में देखूँ तो ब्लैक बोर्ड पढ़ना है, बुक्स को पढ़ना है, मैथमेटिक्स को लेके, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब अगर आपको अच्छे हायर एजुकेशन में जाना है तो उसकी बुक्स की अवेलेबिलिटी इन लार्ज प्रिंट, या वो बहुत ही, अगर मैं खुद करना चाहूँ वो जंबो जेरोक्स तो बहुत ही महंगा है, लेकिन ये चैलेंजेस एजुकेशन में है कि जो लो विजन फेस करता है। ऑफकोर्स सोल्यूशंस भी है, बट इफ आई टॉक इन जनरल, जो लोगों को पता ही नहीं है कि इसको क्या करना है, अगर इसको देख नहीं पा रहा है, बुक जो रेगुलर प्रिंट वाली बुक है या कुछ बहुत ही पिक्टोरियल बुक है, कॉमिक्स है, तो ये सारी चीजें हैं जो एजुकेशनल फील्ड में स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में आपको चैलेंजेस फेस करती है। सिंपल अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अगर स्कूल के, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो भी मेरे लिए चैलेंजिंग है कि मेजरमेंट कैसे करना है, तो ये सारे सॉल्यूशन है। क्या इसके लिए कोई लैब में एडिशनल लार्ज फॉन्ट वाले स्केल्स अवेलेबल है, तो वो ये भी हमको देखना है कि स्कूल्स को किस तरह से लो विजन के लिए एड्स अप्लायंसेस या सिंपल चीज लाइक कुछ मैग्नीफायर्स प्रोवाइड करना, इस तरह की चीजें हो सकती है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लो विजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट। सर ने बताया रिजर्वेशन है, डेफिनेटली उसका एडवांटेज भी, या उसका डेफिनेटली बहुत सारे लो विजन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद आप एग्जैक्टली किस तरह का जॉब कर पा रहे हो, या एग्जाम्पल अगर आपको बहुत इस तरह का काम दिया जहाँ पे बहुत ही की आईसाइट की जरूरत है, बहुत सारा पेपर वर्क दिया हुआ है, बहुत सारे हैंड रिटन फॉर्म्स पढ़ने हैं, तो वो एक चैलेंज हो जाता है। लो विजन कुछ हद तक कर पाता है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी, लेकिन बाद में इसके लिए बहुत स्ट्रेनियस हो जाता है। अगेन कंटिन्यूसली 8 to 2 hours वर्किंग ऑन पीसी फ्रॉम नियर डिस्टेंस है, या फिर कोई एड्स करके यूज करना है, मैग्निफिकेशन यूज करके आपका व्यू एरिया बहुत कम हो जाता है, यू टू स्क्रॉल ऑल द टाइम लेफ्ट राइट अप डाउन, तो सुटेबल अकोमोडेटेड जॉब प्रोफाइल मिलना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एंड लो विजन के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग है, या उसके लिए स्पेसिफिक कुछ चीजें होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो चैलेंजेस की जो मैं अभी इनिशियली कहना चाहूंगा।
ऑफकोर्स सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में बहुत उसकी बातें कर सकता हूँ. आज शायद लोगों को बेसिक अवेयरनेस भी ना हो कि हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो लो विजन के लिए काम में आ सकते हैं, मैग्निफिकेशन को लेके. इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स. तो आगे चल के डेफिनेटली मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. आपने तो बहुत सारे अच्छे और अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी जोड़ करके बहुत सारे सजेशंस हमें दिए हैं. दे आर बहुत अच्छे थे सजेशंस, और अच्छे इसलिए भी है क्योंकि आप खुद भी एक उस चीज को चैलेंजेस को आपने खुद भी देखा भी है, और आप उसको प्रयास भी किया है आपने कि कैसे दूसरे के जिंदगियों को भी आप इम्प्रूव कर पाए. और आपने जैसा बताया कि आप उन्होंने एटीएम भी बनाया और उस मुहिम के आप हिस्सा भी रहे एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने में. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. मैं इसी बीच जो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम भी मौजूद हैं. वो खुद एक मेडिकल ऑफिसर हैं और एक लंबे समय तक एनआईपीवीडी में उन्होंने इस जो लो विजन यूनिट का कार्यभार संभाला. उन्होंने काफी अलग अलग तरह के उन्होंने प्रयास भी किए जिससे वो हमारे जो लो विजन बच्चे थे हमारे स्कूल्स में, उनके किस तरह से उनका विजुअल स्टिमुलेशन हो सकता है, उनकी कैसी विजुअल एफिशिएंसी बढ़ा सकती है. मैडम ने कई ऐसे अनोखे प्रयास किए यहाँ पर. उन्होंने एक सेंटर भी डेवलप किया अपने प्रयास से, यहाँ पर छोटा सा यूनिट बनाया लो विजन के लिए, और उनका प्रयास काफी सराहनीय रहा है. हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि मैडम आज हमारे बीच हैं. तो मैडम को मैं चाहूंगा कि मैडम आप अपने अनुभव हम सबों के बीच साझा करें और कुछ ऐसे रास्ते या सुझाव भी दें जिनसे हम आगे इस दिशा में काम भी कर सकते हैं. प्लीज मैडम. नमस्कार और थैंक यू NIEPVD फॉर कॉलिंग मी इन एंड NAB फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार. बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलकर. मेरा जो एक्सपीरियंस है लो विजन में, मैंने बहुत दिनों तक बच्चों के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम किया. 21 ईयर्स से मैं NIVH से जुड़ी रही और मुझे अभी 2 साल स्कूल में भी रहने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इट्स अ काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी. और मुझे ये लगता है कि इट इज नॉट ओनली दैट दीज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल काइंड ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, बट थोड़े बहुत हमको अगर क्लासरूम या हम अपने आप भी कुछ मॉडिफिकेशंस करें तो इट इज नॉट दैट ऑलवेज द चाइल्ड की परफॉर्मेंस उसकी असिस्टिव डिवाइसेस से ही लिंक रहेगी. पर ऐसा भी है कि हम थोड़े बहुत चेंजेस की तरफ अगर ध्यान दें तो हम बच्चों को मेरे को लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है. दैट इफ दे ही वांट्स टू डू समटाइम्स देयर आर प्लेसेस वेयर ही वुड लाइक टू डू समथिंग एज अ रिटन वर्क, तो वो पेन पेंसिल उठा के काम करने की करता है. तो हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जब वो ब्रेल में वर्क करना चाहे तो वो ब्रेल में करे, और जब उसको लगता है कि दैट ही वुड यूज हिज पेन पेंसिल और पेपर पेंसिल टुडे, सो लेट हिम गिव हिम दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यू नो एंड टू डू हिज वर्क द वे ही लाइक्स. सिंपल मेरा है कि कुछ क्लासरूम टेक्निक्स अगर हम अपने आप बढ़ाएं. एक तो सबसे अच्छा है कि क्लोज व्यूइंग, बच्चों को स्टैंड दें, बच्चों को हेल्प करें कि उनका पोस्चर अच्छा हो, और बच्चों को बहुत पास से देखने के लिए उनको हेल्प करें. तो इसमें एज इट इज व्हेन यू डू अ क्लोज व्यूइंग 10% 10 times और 20 times द मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस. तो ये सब अगर हम थोड़ी बहुत टेक्निक्स लेके आए तो हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास हु आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट विच आई फील दे आर एट प्लेसेस जो ऐसे स्कूल्स में हैं जहाँ पर असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, जो जहाँ पर टीचर्स और या पेरेंट्स ऐसी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन लोगों के लिए सिंपल टेक्निक्स लाइक क्लोज व्यूइंग, समथिंग लाइक गुड लाइटिंग, जिसमें अगर वो नेचुरल लाइट जो क्लासरूम में उनको अगर खिड़की के पास बैठ के वो काम करने को उनको दिया जाए, ये देखा जाए कि लाइट हरदम उनको बैक साइड से मिले या सीधा उनके टेक्स्ट के ऊपर फॉल करे. तो दीज आर ऑल सिंपल टेक्निक्स फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन विच रियली हेल्प्स देम टू वर्क बेटर. और एक बच्चों के साथ मैंने बहुत नोटिस करा है कि उनको विजुअल फिटीग होती है क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो मेरा सबसे निवेदन है कि गिव देम ब्रेक्स एंड मेक श्योर दैट दीज चिल्ड्रन
बीच बीच में पढ़ाई के टाइम पे उनको कुछ ब्रेक दिया जाए, कुछ देर उनको कहा जाए कि आंख बंद करके बैठे, और वो दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू मेक देयर परफॉर्मेंस बेटर एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस देयर एबिलिटी टू डू बेटर वर्क एज फार एज द क्लोज वर्क इज कंसर्न. दूसरा मुझे बहुत लगता है कि वी हैव टू ऑलवेज लुक इन टू द लेटेंसी पीरियड. बहुत सारे बच्चे जो लो विजन के होते हैं उनके अंदर एक लेटेंट पीरियड होता है, दे टेंड टू रिस्पॉन्ड. आप उनको कोई चीज अगर उनके सामने रखते हैं तो दे टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड. तो ये विजुअल लेटेंसी इसको हम कहते हैं, और बहुत जरूरी है कि ये विजुअल लेटेंसी जो पीरियड है जिसमें वी शुड गिव देम अ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट वॉट काइंड ऑफ अ वर्क इज बींग एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. वेन यू आर पुटिंग अप अ मैप और एनी काइंड ऑफ अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उस बच्चे को थोड़ा टाइम दिया जाए. तो मेरा टीचर्स से या रिहैब वर्कर्स से ये कहना है कि यू नो मेकिंग इट बोल्ड, मेकिंग इट ब्राइटर ऑलवेज हेल्प्स दीज चिल्ड्रन. मेकिंग क्लोज व्यूइंग इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स व्हिच आल्सो हेल्प्स देम अ लॉट. और मैंने एक बहुत देखा है कि इनकी ये लेटेंसी पीरियड को हम अगर ध्यान में रखें, विजुअल फटीग को ध्यान में रखें, तो ये बहुत चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. और मैंने अपने बच्चों के लिए जैसे हम पुरानी जो एक्सरे की जो वो हुआ करते थे ओल्ड एक्सरे, उनको उनके अंदर स्लिट्स लगा के और हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे एंड दैट रियली यूज्ड टू वर्क वेरी वेल. सो दीज आर सिंपल थिंग्स विच यू नो द टीचर्स कैन अप्लाई इन टू द क्लास रूम एंड मेक द चाइल्ड वर्क बेटर एंड वी कैन गिव देम मोर अपॉर्चुनिटी एंड गिव देम फ्लेक्सीबिलिटी. एट द सेम टाइम मेरे को एक बहुत जरूरी जो बात हरदम समझ में आई है कि कॉन्ट्रास्ट, जिसके ऊपर हम लोग बहुत नहीं ध्यान दे पाते, पर यू नो इट इज अ सिंपल थिंग ऑफ वेयरिंग द टीचर वेयरिंग अ ब्राइट शर्ट इन द क्लासरूम, इट ऑलवेज हेल्प्स अ पर्सन विद लो विजन टू यू नो कीप हिज अटेंशन. क्योंकि विजुअल अटेंशन रखने के लिए बच्चे को आप अगर अच्छा कॉन्ट्रास्ट देंगे तो ये बहुत हेल्प करता है बच्चे को. और एट द सेम टाइम यू नो यू मैंने आप बोल रहे हैं तो आप अगर स्पेलिंग्स को जोर से बोल देंगे या उसमें अपने एक बार यू नो जस्ट स्पेल आउट द वर्ड फॉर हिम, तो जो बच्चा लो विजन का है जो पेपर पेंसिल से काम कर रहा है, यू नो इट इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड टू यू नो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूट करें तो हरदम ऐसा नहीं है कि हमको बच्चे को असिस्टिव डिवाइसेस की ही जरूरत पड़ेगी, पर हम अगर ये चीजों को भी ध्यान में रखें तो हम ये छोटे छोटे चेंजेस से हम अपने क्लासरूम को बहुत ज्यादा ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, लो विजन बच्चे के लिए लो विजन फ्रेंडली क्लासरूम्स बना सकते हैं. और मेरा एक और कहना है कि बहुत क्लटर, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ उनको देना भी बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए. तो जहां तक हो यू नो यू कैन वी कैन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस थिंग्स टू देम. लाइक अब साइंस लैब में अगर वो काम कर रहे हैं तो बहुत सारा सामान ना देके यू नो यू ग्रेजुअली एक्सपेरिमेंट वाइज एक एक दो दो चीजें उनके विजुअल फील्ड में लेके आए तो बहुत अच्छा रहता है. और दिस चिल्ड्रन रियली एंजॉय वर्किंग लाइक दिस. तो सिंपल स्ट्रैटेजीज अगर हम रिहैब वर्कर्स के साथ मिलकर ये स्ट्रैटेजीज हम लगाएं तो आई एम वेरी श्योर दैट दीज विल ऑलवेज हेल्प आवर चिल्ड्रन who are working in the area where there are not a lot of facilities for all these things. And I have always another thing which I want to emphasize is early identification. So jitna jaldi ho sake agar hum detect kare jisme humko dekhna hai ki bacche ki social smile hai, bacche ke andar eye coordination hai, agar eye coordination hai to binocularity hai, bachcha हम उसकी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा हाथ बढ़ाकर उसको लेने की कोशिश करता है. तो ये जो सारी चीजें हैं कि बच्चे ने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करा, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी माँ की आवाज सुन के ही रिस्पॉन्ड करता है कि अपनी मदर को देख के भी रिस्पॉन्ड करता है. तो ये सारी चीजें हैं वो हमको बहुत अर्ली अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो एक जो कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि वो जो आंख से अच्छा नहीं दिखाई देता जिसको हम लेजी आई जैसे बोलते हैं, तो वो हम उसको अगर हम जल्दी ही अगर डिटेक्ट कर लें तो इट इज वेरी नेचुरल दैट वी विल बी एबल टू गिव अ बेटर विजन टू आवर चाइल्ड. तो मेरा सिर्फ यही कहना है दैट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट वी मेक द क्लासरूम्स मोर फ्रेंडली सो दैट एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन इज नॉट हैम्पर्ड एंड एट द सेम टाइम इफ वी कैन यू नो आइडेंटिफाई इट अर्ली. तो
जितना जल्द हम बच्चे के अंदर जो इनके जो विजुअल माइलस्टोन्स हैं उनको अगर हम जल्दी जल्दी पकड़ते हैं तो अच्छा रहता है कि हम बच्चे के रिहैब उसी हिसाब से कर सकते हैं और उसी तरह से हम उसको आगे भी उसकी ट्रीटमेंट है या उसकी ट्रेनिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज फील दैट दे आर लवली पीपल, बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ काम करने के लिए, क्योंकि कभी ये लोग पेन से काम करते हैं, कभी ये लोग ब्रेल पे आ जाते हैं, तो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग विद देम एंड आई ऑलवेज फील दैट दिस ग्रुप इज रियली लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी एक्सपेरिमेंटेड एंड मेक देम रियली वर्क, चैलेंजेस कैन बी गिवन टू देम एंड दे विल रियली प्रूव देमसेल्व्स. So it's very nice to be associated with everybody, and thank you very much for giving me this opportunity and sharing my views. Thank you, Pankaj. Thank you so much, ma'am, for joining this program on very short notice, and we are happy to find you in this program. And हम लोग इस प्रोग्राम में कुछ सरप्राइज हम लोग खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते. हम लोगों ने जैसे बताया कि प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत दो दिन पहले ही इसको सोचा और इसके लिए आगे बढ़े एनएबी के साथ मिलकर के. तो ये आज हमारे बीच दीपेंद्र मनोचा सर भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं और उनका काफी टेक्नोलॉजी में बड़ा ही अच्छा योगदान रहा है और हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते हैं. जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो कुछ नए चीजों पर बात कर रहे होते हैं और कुछ एडवांस लेवल पे बात कर रहे होते हैं. हम लोग मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं. मैं बहुत बार मिला हूँ उनसे और जब जब मिलता हूँ तब तक उनके टेक्नोलॉजी की तरफ जो एक एफिनिटी है या उनका जो इंक्लाइनेशन है बड़ा इंस्पायरिंग रहता है. सर प्लीज दो शब्द बोले कि किस प्रकार से कौन कौन से चैलेंजेस हम टेक्नोलॉजिकली फील कर रहे हैं पर्सन्स विद लो विजन के लिए और क्या कुछ समाधान जो इजिली हो सकते हैं इस फील्ड में. सर दीपेंद्र मनोचा सर. थैंक यू पंकज एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एनआईपीवीडी और साथ साथ में दोनों ही संस्थाएं ऐसी हैं कि जिनके साथ तो जुड़ाव बहुत टाइम से है. ये पिछले काफ़ी टाइम से जब से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसा पंकज बता रहे हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के फील्ड में जिसको मैं मानता हूं कि डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा क्योंकि फंक्शनल लिमिटेशन है डिसेबिलिटी का डेफिनेशन और उसमें टेक्नोलॉजी उस फंक्शनल लिमिटेशन को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. और ये जो डेफिनेशन है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और हमारी फंक्शनल लिमिटेशन कहाँ है इस चीज़ की डेफिनेशन टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है. तो एक किस्म से ये इतना क्लोज इसका संबंध हो जाता है डिसेबिलिटी से टेक्नोलॉजी का कि ये हर फील्ड में और हर चीज़ में इसका आ रहा है. और इसमें जो मेन गैप्स जो हम लोगों ने देखे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेयरनेस अबाउट व्हाट आर द सॉल्यूशंस रोज क्योंकि नई चीज़ें आ रही हैं उसकी अवेयरनेस लोगों तक कैसे पहुंचे कैसे वो डिवाइसेस जिन लोगों की को ज़रूरत है उस टाइम पे ठीक डिवाइस लोगों तक कैसे पहुँच जाए वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बड़ा सा गैप है. जब इन सब कामों पर इतने सालों से जो हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ रियलाइज हुई कि एक किस्म से ये चीज बड़ी बटी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे दो मेन मिनिस्ट्रीज हैं कह लीजिए कि जो रोल प्ले करती हैं. एक है हेल्थ सिस्टम और दूसरा है हमारा ये डायरेक्टरेट ऑफ डिसेबिलिटीज जो कि एक अलग इनका एक पूरा इकोसिस्टम हेल्थ सिस्टम का इकोसिस्टम अलग काम करता है और डिसेबिलिटी के जो डिपार्टमेंट है उसका एक सिस्टम पूरा इकोसिस्टम अलग काम करता है. तो पर्सन्स विद लो विजन समहाउ जब उसकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो ज़्यादातर ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ वो चीज़ तो हेल्थ सिस्टम के पास ज़्यादा है. उसके जो इकोसिस्टम्स हैं उसकी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ सिस्टम के थ्रू ज़्यादा जा रही है और जो पर्सन्स विद टोटल लॉस ऑफ विजन है वो समहाउ ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज है उसके थ्रू वहाँ पर उसका एम्फेसिस ज़्यादा बढ़ा है. Now, obviously this is not intentional, but this is a clear-cut observation जब हम फील्ड में इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं. So this is something very strange that I think कि ये भी एक किस्म से एक हिंदुस्तान पाकिस्तान सब बन के क्रिएट हो गया कि एक मिनिस्ट्री में लो विजन एक दूसरी मिनिस्ट्री में और पर्सन विद ब्लाइंडनेस इसमें जा रहे हैं. और इसका रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर जो पर्सन विद लो विजन के लिए जो एम्फेसिस है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही जो सॉल्यूशंस की जहां बात है तो वहां बहुत
रेशियो उसका बहुत कम है, जबकि पॉपुलेशन जो है पर्सन लो विजन के वो कहीं ज्यादा है टोटली ब्लाइंड की पॉपुलेशन के अगर उसके बात करें तो. सो आई थिंक दिस इज वन थिंग वेयर वी नीड टू एम्फेसाइज मोर और थोड़ा एक बेटर कोऑर्डिनेशन की इसमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पेशल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर लो विजन डेफिनेटली भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जो अगर इग्नोर हो जाती हो जा रही है हमारे हम लोगों के प्रोग्राम्स में से. जैसे सिंपल सी बातें कि स्मार्टफोन की अगर बात करें या कंप्यूटर्स की बात करें, तो ज्यादातर मैंने देखा कि बस जो जो पर्सन विद लो विजन है वो जो स्पेशल टूल्स आ रहे हैं, जैसे स्क्रीन मैग्निफिकेशन की बात करें, तो फॉन्ट इंक्रीज करना इज नॉट मैग्निफिकेशन. फॉन्ट इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल चेंज द होल लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट का पूरा उसकी मार्जिन है वो सारी पूरा का पूरा लेआउट उसका बिगाड़ देगा अगर आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया फॉन्ट इसको मैग्निफिकेशन की तरह से या यूज करने के लिए. जबकि सेम लेआउट वाले डॉक्यूमेंट को जब आप स्क्रीन मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ उसको मैग्निफाई करता है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करता है. अब पर्सन विद लो विजन के साथ जब हम डील कर रहे हैं जो कि इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो आके नहीं जुड़ पाए हैं, वो ज्यादातर फॉन्ट साइज इंक्रीज करके और इस चीज को डील करने की कोशिश करते हैं. और इसी वजह से जितनी चर्चा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की हुई है, जॉज का जितना नाम है, एनवीडीए का जितना नाम है, उतना दूसरे सॉफ्टवेयर्स के नाम ही नहीं ज्यादा. जूम टेक्स्ट हुआ या जैसे डॉल्फिन रीडर के थ्रू जब जो उसके मैग्निफिकेशन की जो फैसिलिटीज है, उनका नाम ही नहीं बहुत सारे लोग तो जानते कि भाई ये इस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे एग्जिस्ट करता है. यही चीज स्क्रीन मैग्निफिकेशन वर्सेस फॉन्ट साइज इंक्रीज का जो ये डिफरेंस है, आई थिंक इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हमें और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. छोटी छोटी सी और एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर लेता हूँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी में कब हुआ कि डिजिटल मैग्नीफायर जैसी चीज, आई फाउंड इट वेरी अमेजिंग कि एक डिजिटल मैग्नीफायर में क्या चीज है, उसके अंदर एक कैमरा है, स्क्रीन है और वो सारी फैसिलिटीज हैं कि आप उसका कलर कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसका फॉन्ट साइज किसी भी साइज तक इंक्रीज कर सकते हैं जब आप अपने डिजिटल कैमरा को किसी टेक्स्ट पर पॉइंट आउट करते हैं. नाउ डिजिटल मैग्नीफायर्स की जो रेलेवेंस है वो हैंड हेल्ड डिजिटल मैग्नीफायर्स की, वो इतनी कम हो जाती है बिकॉज ऑल दीज हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर देयर इन अ स्मार्टफोन. उसमें वो स्क्रीन भी है, वो कैमरा भी है और सब कुछ है. तो उसमें अगर आप सिर्फ एक ऐप उसकी डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे सुपरविजन प्लस जैसी अगर ऐप है, आप अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो यही स्मार्टफोन आपका वो डिजिटल हैंड हेल्ड डिजिटल मैग्नीफायर बन जाता है. बिकॉज उसमें भी वो सारी की सारी फैसिलिटीज, कलर कंट्रास्ट चेंज करने की या सब चीजों की, वो सब हमारे पास मौजूद हो जाती है. तो लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये कम्प्लीटली, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ऐप ही फ्री है. अगर आपके पास स्मार्टफोन है विद नो एडिशनल कॉस्ट, यू एक्चुअली ओन अ डिजिटल मैग्नीफायर. नाउ ऑब्वियसली जिस चीज को अगर यहाँ पर जो गैप आता है वही आता है कि भाई जो जना असिस्टेड टेक्नोलॉजी बेचने निकला है उसको तो इस चीज में कभी कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं, वो फ्री की चीज क्यों बेचेगा, क्यों लोगों को बताएगा, क्योंकि उसमें तो कोई उसको कुछ मिलना ही नहीं है. तो आई थिंक वी आर नाउ जो नया जो हम एक एफर्ट डाल रहे हैं कि भाई sectech.in जो हमारी ऑनलाइन स्टोर हम लोगों ने क्रिएट किया है नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे, उस पे वी आर मेकिंग अ चेंज फ्रॉम अ रेगुलर शॉप इज दिस के यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारा प्राइम मोटिव बेचना नहीं है, तो इसमें जो फ्री सॉल्यूशंस भी हैं उन सभी सॉल्यूशंस को हम लोग इसमें इकट्ठा कर रहे हैं और लो विजन के लिए खासतौर से इसमें हम लोग एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लो विजन डिवाइसेज, लो विजन के लिए जो यूजफुल डिवाइसेज हैं. जरूरी नहीं है कि वो डिवाइसेज स्पेशली उनके लिए बनाए गए होंगे, बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज जो कि मेन मार्केट में भी अवेलेबल है, उनकी कलेक्शन भी हम लोग अपने यहाँ पे इस पर sectech.in पे इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ये सॉल्यूशंस की अवेयरनेस और इनके बारे में इनको एक्वायर करना लोगों को आसान हो सके. बट यस, आई मीन दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक. जितना इसके ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए उससे बहुत कम एम्फेसिस अभी तक हम लोगों के इस ग्रुप में, जो खासतौर से एनजीओ का ग्रुप है या
गवर्नमेंट के जो डिसेबिलिटी रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जितना एम्फेसिस इन बातों पे हुआ है उससे डेफिनेटली इससे ज्यादा एम्फेसिस की इसमें जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने कहा है और हम लोग करेंगे भी कि एम्फेसिस अब ज्यादा देंगे, ज्यादा नहीं मतलब इस पे भी एम्फेसिस देंगे, ये ऐसा ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा भी है। और मैं समझता हूँ कि निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग वे आउट ढूंढेंगे कैसे हम लोग इसको इक्वली हम लोग कैटर कर सके इस नीड को। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा कि कोई भी जो पर्सन विद लो विजन हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनमें से जो लोग भी अपनी एक राय देना चाहते हो तो कृपया इस पे अपनी राय दें। विशेषज्ञ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस फोरम पे अपना कुछ जो कहना चाहते हैं, चुनौती कुछ रखना चाहते हैं या कुछ समाधान बताना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। तो कोई जी पंकज सर नमस्ते। नमस्ते पंकज सर, मैं हेमेंद्र प्रताप सिंह एनएबी इंडिया मुंबई से एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं एज अ मैथ्स टीचर काम करता हूँ। मैं लो विजन हूँ, मैं मेरा व्यूज शेयर करना चाहता हूँ। सभी बड़े बड़े पैनलिस्टों को मैंने सुना, सभी के व्यूज मैंने सुने। मैं मेरा व्यूज ऐसा है कि सर लो विजन जो लेट ब्लाइंड या जो लेट लो विजन होता है उसका 1.5 से 2 साल, 3 साल या 5 साल या अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड हैं जो डॉक्टरों के असेसमेंट में ही घूम रहे हैं और डॉक्टर उन्हें बहुत बार गाइड नहीं कर पाते कि नैप जैसी संस्था या यहाँ पे जुड़ी हुई और भी जो बहुत संस्था है जो उनके एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि मेडिकल टर्म के साथ साथ भले अगर वो ब्लाइंड है या लो विजन है अगर वो आगे जाके मेडिकल के टर्म्स के साथ वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो उसका एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट या जो भी उसकी डेवलपमेंट है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर्स के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं जो आई स्पेशलिस्ट या जो भी आंखों के ऊपर उपचार करने वाली आज हेल्थ मिनिस्ट्री है या जो भी है तो ये मेरा व्यूज है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बढ़िया सजेशन है आपका और शायद वैलिड सजेशन है। एक दो ऐसे सुनने को मुझे भी मिला था कि वो बता नहीं पाते हैं यूजुअली कहीं कहीं जो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट हैं कि उनके लिए क्या एजुकेशनल इंटरवेंशन मौजूद है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और भी साथी हमारे बीच जो है क्योंकि आपका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन बड़ा इम्पैक्ट करता है तो अगर कोई हमारे बीच जो अल्पदृष्टि साथी मौजूद हो तो वो अपने अनुभवों को रखें, अपने अपने विचारों को रखें हमारे बीच प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, बलवीर सिंह रावत। एक्चुअली सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जो पैनल टीम है सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अगर कोई एक व्यक्ति एक बच्चा है सर और अगर सर वो एक आंख से मतलब फुल्ली ब्लाइंड है और दूसरी आंख सर उसकी ठीक है तो क्या वो लो विजन कैटेगरी में आएगा या नहीं? लीगली शायद नहीं आएगा। आप इसको मैं ही बता रहा हूँ, शायद नहीं आएंगे वो लीगली क्योंकि वो 30% ही डिसेबिलिटी बनती है अगर, लेकिन वो कंडीशन एग्जैक्ट आप बता रहे हैं ना, लेकिन ये उसको तो एक टेस्ट के द्वारा पता चलेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से फिट बता रहे हैं तो वो कंडीशन में नहीं आते, 30% ही डिसेबिलिटी बनती थी। अब ये मेडिकल एनालिसिस का है। कोई अगर गीतिका माथुर मैडम जुड़ी हुई है तो प्लीज इसका आंसर करें मैम। पंकज जी, द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट द विजन इन द बेटर आई। यस मैम, यू आर स्पीकिंग। सो द विजन इन द बेटर आई शुड बी लेस देन व्हाट 60। सो इफ इज वन आई इज नॉर्मल इट डजंट कम इन दैट कैटेगरी। उत्तर मिल गया होगा शायद आपको। गीतिका मैडम वांटेड टू कमेंट। गीतिका मैडम कैन कमेंट। I just wanted to say that one night people will come in the 30% category, which was Pankaj was saying. So that is right. And rest, of course, assessment has to be done and then whatever they have to say. Thank you, ma'am. कोई और साथी जो अपना कुछ पक्ष या हेलो नमस्ते सर नमस्ते कुछ चुनौतियों पर हाँ बताएं। मेरा नाम है कुंडलिक बंडगर। मैं अभी एनएबी मुंबई में एज ए मैथ्स टीचर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा मेरी उम्र है अभी 53 और मेरा 47 उम्र में मेरी एक कॉर्पोरेट्स में बड़ी अच्छी कंपनी में मेरी अच्छी सी जॉब थी और 47 उम्र में मुझे लो विजन ये ब्लाइंडनेस प्राप्त हो गई। तभी मुझे वो जॉब मेरा 25 साल का जॉब किया था एक ही कंपनी में तो जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। तो गवर्नमेंट में ऐसे कुछ प्रोविजन है क्या कि ऐसे वो जॉब में रिस्टोर सॉरी वो रख सकता था या मैं 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया जॉब मैंने वो छोड़ना पड़ा
ड्यू टू दिस कंडीशंस। तो ये 2016 का जो लॉ है और वो लॉ में भी कुछ प्रोविजन है कि जो 25 साल जॉब किया और मेरा इतना कंडीशन खराब था उस टाइम कि मुझे देखिए एक चीज तो है, समझ गया आपकी बात को। तो ये जो आपका विषय है आपने तो खुद छोड़ा ना, अगर छोड़ा नहीं, से कोई छोड़ा नहीं मैंने जॉब छोड़ा नहीं, मैंने खुद नहीं छोड़ा जॉब। अच्छा मुझे आपको लगता है तो एक सुन ले, तो अगर आपको लगता है तो CCPWD के कार्यालय में आप अपनी शिकायत रख सकते हैं। जो RPWD के प्रावधान हैं, जो एक्ट में होते हैं वो स्पेसिफिकली नहीं होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे कंडीशन होंगे आप इतने छोटे में आप। मैं SK सिंह बोल रहा हूँ, ये इनकी ये जो अपनी घटना बता रहे हैं, I am very sorry to say मैं SK सिंह बोल रहा हूँ, कहा मुझे अभी तक पता नहीं है, नैब इंडिया में मुझे आए 5 साल हो गया, कभी इन्होंने शेयर नहीं किया। अगर ये शेयर करते तो इस पर लड़ाई, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी में थे, कंपनी भले बड़ी रही हो लेकिन प्राइवेट तो थी, लेकिन एक लड़ाई तो लड़ी जा सकती थी वहां पे। और एक बात तो किया, 25 साल की नौकरी को इतने आसानी से हटा नहीं सकते, और RPWD एक्ट के धारा 47 में ये प्रोविजन भी है कि जो नौकरी कर रहा है उसको हटाया नहीं जाएगा, उसके लायक दूसरा पद बनाया जाएगा, उसके काम करने लायक जो काम कर सकता है। तो वो प्राइवेट पे कितना लागू होता है देखना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई लड़ी जा सकती थी। और हम जब बॉम्बे आते हैं आप मिलिएगा और मुझे पूरी बात बताइए, फिर मैं इसको देखूंगा, इसको मैं टेकअप करूंगा। ओके सर, लेकिन मैं बोलूं तो एक मिनट, आप इस सवाल को ना रखें, आपको सर बोला था, सर ने बताया है, सर से आप बात कर लेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, प्लीज रेज योर इशू एंड। सर मैं मेरे दो सजेशन है एक्चुअली आई एम ऑल्सो ए लो विजन पर्सन, तो मेरे दो सजेशन है इस बारे में। जैसे जो एंटी एक्ट के अंदर जो डिसेबिलिटी आती है उनमें क्या है, एक निरामया योजना है, निरामया योजना के अंदर 1,00,000 रुपए तक का बीमा हो जाता है, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। तो इस तरह से जो लो विजन पर्सन है उनके भी कुछ हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी चश्मा खराब हो गया, कभी दवाई की प्रॉब्लम है, कभी और कोई दूसरा है, कभी कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेना होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि निरामया की तरह लो विजन पर्सन को भी कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे वो जो उनका एक्सपेंसिस होते हैं उनको रीइंबर्स करा सके। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हर एक स्टेट में हर एक वर्ष एक मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया जाता है। वो मेडिकल असेसमेंट कैंप में जो अपने जो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं, लेकिन वहां क्या होता है उतना वास्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं पाता। तो इसलिए बहुत सारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या है, विजन एड्स के का रिकमेंडेशन नहीं हो पाता, वो रिकमेंडेशन नहीं हो पाता, तो उनको वो एड्स अप्लायंसेस एडिप के अंडर नहीं मिल पाते। तो कुछ इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स को ये सजेशन दिए जाने चाहिए कि जो मेडिकल असेसमेंट कैंप होता है वो खासतौर से लो विजन लोगों के लिए एक मतलब थोड़ा इंटेंसिवली हो, जिससे उन्हें जो जो लो विजन एड्स हैं वो रिकमेंड किए जा सकें, और बाद में उन बच्चों को जो भी लो विजन एड्स हैं वो एडिप के अंदर मिल सकें। क्योंकि हमारे आजकल मोस्टली बच्चे जो लो विजन हैं वो जनरल स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो जो जनरल स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको उनको सिर्फ क्या मिलता है, सॉरी उनको मिलता है सिर्फ लार्ज प्रिंट बुक्स। तो लार्ज प्रिंट बुक्स ठीक है, एक एक उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके लिए हैंड मैग्नीफायर, कोई दूसरे तरह के जैसे माइक्रोस्कोप, इस तरह के ग्लासेस वो मिल सकें तो बच्चों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। और लो विजन लोगों को जो ये स्कीम्स हैं यदि इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो इससे बहुत लाभ होगा। और चूंकि लो विजन को जो सोशल प्रॉब्लम है वो तो बहुत आती है, एकेडमिक प्रॉब्लम भी बहुत आती है, तो ये दोनों का सॉल्यूशन मुझे लगा कि ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं अशोक वर्मा जी को आंसर करना चाहती हूँ।
हमने अभी एक मुद्दा उठाया कि जो अपने कैंप्स होते हैं वहाँ उनकी बराबर से असेसमेंट नहीं होती है, लेकिन ये सब जो कैंप्स होते हैं सर्व शिक्षा अभियान के या कोई भी हमारे स्पेशल बच्चों के, हम लोग जनरल स्कूल्स के भी हम लोग कैंप मेडिकल कैंप करते हैं, तभी यदि किसी को कुछ आंखों का हम लोग को लगता है कि इसे विशेष जरूरी है एड्स एंड अप्लायंसेस की, तो हम एटलीस्ट इन महाराष्ट्र और इन मुंबई राधव उनको पता है कि लोटस में हम लोग उनको अपॉइंटमेंट देते हैं और वहां आके वो उसका हम लोग 2-2.5 घंटा प्रॉपरली एब्सोल्युटली एकदम उसके हिसाब बच्चों के या जिसके भी लो विजन है उसके हिसाब से हम उसका असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट के बाद उसको हम लोग जो भी उसके एक मेरा सबमिशन है यहाँ पर कि वो तो कंडीशन बता रहे हैं, ये आप अपनी सर्विसेज बता रही हैं मैम, ऐसा होता होगा तभी वो सजेशन दे रहे हैं और उनका सजेशन तो वैलिड है कहीं ना कहीं, आपने जहाँ रही होगी तो आपने किया होगा, बट देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, तो एक सर अवेयरनेस, वही अवेयरनेस क्रिएटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कम्युनिकेशन होना चाहिए कि किधर क्या अवेलेबल है, लिस्ट होनी चाहिए अपने पास। मैं शारदा बोल रहा हूँ साइट सर्वर उड़ीसा से। अच्छा एक्चुअली बात ऐसा है, आज यू नो साइट सर्वर तो काम कर रहा है विजन 2020 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन और लो विजन में बहुत काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज ऑप्टोमेट्रिस्ट में हम जब उड़ीसा में सब पेशेंट को स्क्रीनिंग करते हैं उसमें दो चीज थोड़ा सा मुझे अलग लगा। एक चीज है जो पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट का ब्लाइंडनेस में है लेकिन उसको जब इवैल्यूएशन के वो लो विजन कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन वो क्या हुआ ना वो राजी नहीं होते हैं आने के लिए उसमें, ऐसा इसीलिए क्योंकि दे आर फिटिंग सम स्टूडेंट आज दे आर ब्लाइंड मैंने हैंडीकैप, बट व्हेन दे विल गो टू लो विजन कैटेगरी दे विल नॉट गेट एनी स्टाइपेंड, तो ये जो होता है इसके लिए उनको ऐसा नहीं लगता अभी हम क्यों जाएंगे, अभी उसको थोड़ा स्टाइपेंड मिल रहा है तो अभी वो जो एग्जाम देंगे वो भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेंगे तो स्टाइपेंड मिले तो हम वैसे ही रहेंगे और कुछ मत करिए बड़ा होके क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ही वैलिड आपने बात रखी, सच में अगर ऐसी स्थिति है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपके सजेशंस तो आ गए, प्लीज अब मैं, हाँ जी बताएं, आपके सुझाव आ चुके हैं सर, अब दोबारा तो ना रहे, कोई नया व्यक्ति अगर कोई सुझाव देना चाहे तो बताएं, वरना अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। कोई नए व्यक्ति हैं तो बताएं प्लीज जो अभी तक नहीं बोले हैं और कुछ अपने पक्ष रखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने की ओर में मैं चाहूंगा कि एनएबी की तरफ से हमारे बीच पल्लवी कदम मैडम जुड़ेंगी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनएबी की, और दूसरे सुनील श्रीपुत्र सर हमारे साथ एनआई पीवीडी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो जुड़ेंगे। तो मैं पहले पल्लवी कदम मैडम को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और एक छोटा कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क्स रखें आज के इस कार्यक्रम की, अपने अनुभवों को इस कार्यक्रम के प्रति अपने अनुभवों को भी रखें। पल्लवी कदम मैडम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी, बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव रहा नैब इंडिया, आई मीन निपविड और नैब इंडिया के साथ जो हमने आज का जो इनिशिएटिव लिया है इट इज रियली वेरी गुड, एंड ये पहला इनिशिएटिव बोलूंगी लो विजन के इसके ऊपर। वैसे हमने बहुत सारे अभी निपविड के साथ हमने बहुत सारे वेबिनार किए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक्चुअली डॉक्टर हिमांशु दास जी का जो हमारे साथ इतने अच्छे तरह से कुछ कार्य आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एक्चुअली थोड़ी मैं बात रखना चाहूंगी, जैसे आपने बताया मेरा जो अनुभव रहा है इतने सालों का और जो मैंने अभी वक्ताओं को या पैनलिस्ट को मैंने सुना, तो इसमें से मैं एक समराइज करना चाहती हूँ कि एक तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होना चाहिए एनजीओज में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल्स में। दूसरा रिगरस अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में, जहां पे हम आई स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों का, जिसमें हमें लो विजन बच्चे या जिनका विजन प्रॉब्लम होता है उनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। दूसरा तीसरा ऐसा है कि अवेयरनेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी इसमें मैं क्यों बोल रही हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि हमें जब एम्प्लॉयमेंट
स्कूलों में तो प्रॉब्लम आती ही है, टीचर्स वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से या इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जब एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट होता है, जैसे प्रशांत जी ने जो शेयर किया था, रिक्रूटमेंट में जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होते हैं तभी लो विजन की इतनी दिक्कतें आती है। हम रिक्रूटमेंट करते हैं लो विजन के बेस पे और इनको पता नहीं होता है कि लो विजन के कितने अलग अलग डिफरेंट इश्यूज होते हैं, किसके कितने फॉन्ट देख सकते हैं, कौन से डिवाइस यूज कर सकते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बॉम्बे में बीएमसी जो महानगर पालिका है, इसमें एक रिक्रूटमेंट निकला था जो जूनियर ऑडिटर की पोस्ट थी, और आप तो जानते हैं कि जूनियर ऑडिटर लो विजन पर्सन जब अपॉइंट होता है तो उनको हैरेस करने के लिए उन्होंने सारे जो हाथ से लिखित कागज देखना है और फिर कंप्यूटर में एंटर करना है, तो इसके लिए बहुत दिक्कतें आती, लेकिन वो जब उसकी बात रखता था कि हमें डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है तो कोई सुनता नहीं था उनकी, तो उनका जो अप्रेजल रिपोर्ट होता है वो अच्छा नहीं लिखा जाता था कि ये कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है लो विजन के एम्प्लॉयमेंट के द्वारा आते हैं, तो इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। वैसे ही हम प्राइवेट कंपनीज में वगैरह तो करते ही है अवेयरनेस प्रोग्राम, हम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं, तो इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो ग्रासरूट लेवल तक पहुंचनी चाहिए, इसकी जो प्राइसेस है वो थोड़े से इकोनॉमिकल होनी चाहिए, जो जो भी जो गवर्नमेंट को भी अफोर्डेबल हो और इंस्टीट्यूट्स को भी अफोर्डेबल हो, अगर हमें डोनेशंस में उसको रेज करना है तो ये है। तो इस तरह से मैं अपनी बात मैंने कम्युनिकेट की है आपको, और रही बात अभी मैं वोट ऑफ थैंक्स की, और मैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास जी नेपिड के डायरेक्टर एंड मिस्टर सत्यकुमार सिंह जी ऑनरी सेक्रेटरी जनरल, गोपाल जी जो वाइस प्रेसिडेंट है नैब इंडिया के, डॉक्टर विमल कुमार डिंगला ऑनरी सेक्रेटरी नैब इंडिया एंड ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और डॉक्टर पंकज जी जो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मॉडरेट किया ये सेशन, इनको सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये पहला इनिशिएटिव है लो विजन के लिए, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े। अभी पैनलिस्ट और इन्होंने जो जो सजेशंस दिए हैं या पार्टिसिपेंट्स ने जो सजेशन दिए, इसको हम आगे जरूर लेके जाएंगे, और धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम सक्सेसफुल करने के लिए। Thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much for your concluding words. अब मैं request करूंगा सुनील सिरपुरकर सर को, जो हमारे यहाँ एक senior faculty हैं और हमारे बीच मौजूद हैं, कि इस कार्यक्रम को concluding word दें और NIVPUD की तरफ से सबका एक धन्यवाद सबको दें। सर सुनील सिरपुरकर सर। धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में जिसका विषय था एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ लो विजन चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, मेरे ख्याल से आज का जो वेबिनार है ये काफ़ी सारगर्भित रहा है। जितने एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उन्होंने अपनी अपनी राय लो विजन के संबंध में रखी। दो बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। मैं भी एक लो विजन पर्सन हूँ और एक्सीडेंटली मेरे साथ भी विजन का प्रॉब्लम हो गया था, और फॉर्चुनेटली मैं NIEPVD में जो लार्ज प्रिंट यूनिट है उसका इंचार्ज भी हूँ। तो अक्सर बात कही जाती है कि जब जो लो विजन बच्चे होते हैं और उनके एजुकेशन की बात आती है तो लार्ज प्रिंट की बात सामने आती है। तो सामान्य सा विषय है कि लोगों को लगता है कि लार्ज प्रिंट माने केवल फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं तो वही लार्ज प्रिंट है। तो मैं दो शब्द कहना चाहूँगा इस संदर्भ में, जो एक दो साल से मेरे पास इसका मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए चार पांच जो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है इस संबंध में। जब भी लार्ज प्रिंट में जब किताबें बनती हैं लो विजन के लिए, तो सबसे बड़ा इशू होता है पेपर,
कि पेपर कैसा होना चाहिए। अक्सर जो पेपर होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन लार्ज प्रिंट के लिए जब हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमको ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। यदि एक तरफ पेपर यदि हम प्रिंट करते हैं तो हम एक सैंपल निकाल के देखते हैं कि दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। ये पहला पॉइंट, ये बहुत मेजर पॉइंट है। अक्सर देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा हुआ है या बहुत से स्कूलों में देखा है कि नॉर्मल किताबों को, जो जनरल किताबें होती हैं, उनको फोटोकॉपी फॉन्ट साइज बढ़ाकर दे दी जाती है, लेकिन जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता है। इससे लो विजन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नंबर दो बात, जो कलर कॉम्बिनेशन की हम बात करें या कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, हम जब इसमें जब प्रिंट करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे आपके आपको पता है कि लो विजन के लिए अलग कैटेगरी हो सकती है, उनके जो लो विजन के जो कॉज और इफेक्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं। हमने कई बार इसका कॉम्बिनेशन लिया है व्हाइट के साथ ब्लैक का, येलो के साथ ब्लैक का, पिंक के साथ ब्लैक का, तो और अलग अलग बच्चों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे फीडबैक जब हम लेते हैं तो हमें पता लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है एक स्टैंडर्ड बनाना कि व्हाइट के साथ ही ब्लैक ले या येलो के साथ ही ब्लैक ले या पिंक के साथ ब्लैक ले या और किसी अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़े, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात जो मैं करता हूँ फॉन्ट साइज की, नॉर्मली फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, 24 का होना चाहिए, 28 का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 32 का होना चाहिए, 36 का होना चाहिए, इसमें भी कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। माने ये भी डिपेंड करता है कि आपका विजन कितना बचा है, कितना रेसिडुअल विजन आपके पास शेष है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत चैलेंजेस है हम सब के लिए। हमको लगता है लार्ज प्रिंट माने एक लार्ज प्रिंट कोई भी किताब निकाल के हम बच्चों को दे दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगली बात, जब हम किताबों को फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं या उसमें जब हम करेक्शन करते हैं लो विजन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैप्स के लिए, चार्ट्स के लिए और अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स के लिए। जैसा अभी गीतिका माथुर मैडम बता रही थी, वो खुद प्रिंसिपल रही है हमारे स्कूल में, तो वो समझ सकती है इस बात को कि बच्चों को चार्ट्स पढ़ाना या मैप्स पढ़ाना या डायग्राम्स पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही मैप्स में या एक ही डायग्राम में या एक ही चार्ट में ढेर सारे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो जैसे हम ब्लाइंड के लिए बोलते हैं कि ब्लाइंड के लिए जब हम टेक्टाइल मैप बनाते हैं तो एक चार्ट में या एक मैप में या एक डायग्राम में हमको एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए, वैसा ही, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट तभी कर पाएगा जब उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा किसी चार्ट में, मैप में या डायग्राम में। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया लार्ज प्रिंट से संबंधित। जब जहाँ तक हम पैनल डिस्कशन की बात कर रहे हैं, आज का जो सेशन रहा बहुत अट्रैक्टिव रहा, बहुत ही इंटरेक्टिव रहा। सभी लोगों ने जहाँ तक बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, असेसमेंट की, या अली इंटरवेंशन की बात करें या अवेयरनेस की बात करें या सर्टिफिकेशन की बात करें या एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें या साइको सोशल इशूज़ की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बहुत सारे पॉइंट्स को आज हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। और शायद ये पहला वेबिनार है इस संदर्भ में जो NAB और NIPVD के सहयोग से इस प्रकार का ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं चाहूँगा अपने पैनलिस्ट से और मैं निवेदन करूँगा कि आगे भी हम इस प्रकार के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करें ताकि हम बहुत सारे इश्यूज जो अभी छूट गए, जैसा कि आपको बताया डॉक्टर पंकज सर ने कि अभी अभी एक दो दिन में ही हमने इस प्रोग्राम को फाइनलाइज किया है, तो मैं चाहूँगा अपने पैनलिस्ट से कि ऐसे प्रोग्राम हम भविष्य में और ऑर्गेनाइज करें ताकि हम इस इशू को काफ़ी आगे लेके जाए। अभी एक मैं सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे में बताया गया था कि जितना टोटल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में उसका 70% जो है वो जो मैंने जो ब्लाइंडनेस से या लो विजन से रिलेटेड है उसमें 70% जो है वो लो विजन के हैं। बहुत सा एक पॉपुलेशन हमारे सामने अवेलेबल है जिसको हमको फोकस करने की जरूरत है। धन्यवाद के क्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे निदेशक महोदय का, डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर, जब से इन्होंने NIPVD ज्वाइन किया है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय लेकर के अलग अलग विषयों को उन्होंने साधने का प्रयास किया है और अवेयरनेस क्रिएशन करने का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर हिमांशु दास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ में मैं NAB इंडिया के श्री SK सिंह साहब, डॉक्टर
अभी मैं डेंगला जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से समय हमारे लिए निकाला और अपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ में मैं दीप्ति गांधी मैडम जी का, जो मुस्कान से हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में सुधा तुम्बे मैडम का, जो आई हॉस्पिटल से मुंबई से हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में श्री प्रशांत नाइक जी, जो हमसे जुड़े, जिन्होंने टॉकिंग एटीएम के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गीतिका माथुर मैम, जो हमारी एक्स प्रिंसिपल और एक हमारी डॉक्टर रही यहाँ पर एनआईपीवीडी में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह भी एक वेबिनार में हम लोग मिले थे, उन्होंने एक घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन अपने आज स्ट्रक्चर के बारे में दिया था। साथ में अभी शाम को फिर दोबारा हमसे जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका माथुर मैडम आपका। डॉक्टर पंकज, जिनके बिना ये वेबिनार पॉसिबल नहीं था, डॉक्टर पंकज का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुबह से शाम तक के वेबिनार्स में ही बिजी रहते हैं, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जितने पार्टिसिपेंट जो पूरे देश भर से हमारे साथ जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद से कि दोबारा ही हम इस इशू को फिर लेकर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी अगले कार्यक्रम में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।